थिंक एंड ग्रो रिच सोचो और अमीर हो जाओ सोच की शक्ति वास्तव में विचार वस्तुएं हैं और तब तक शक्तिशाली विचार जब तक संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के लिए उद्देश्य हट और तीव्र इच्छा के साथ मिलाया जाता है तीस साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविंसी बंस ने खोजा कि ये कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई थी ये महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी बंस की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से ये है कि निश्चित थी वह एडिसन के साथ काम करना चाहते थे उनके लिए नहीं आप अमीरी तक ले जाने वाले तेरा सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब पहली बार उनके मन में ये इच्छा या विचार आया तो वह इसे पूरा करने की स्थिति में नहीं थे उनके रास्ते में दो मुश्किलें खड़ी थी वे श्रीमान एडिसन को नहीं जानते थे और उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे ये परेशानियां अधिकतर लोगों के जीवन में आती हैं और वह इससे हार मान लेते हैं लेकिन उनकी इच्छा कोई साधारण नहीं थी वे अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था पराजित होने की बजाय उसने मालगाड़ी से सफर करने का फैसला किया और घोषणा की कि वे आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है बंस और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा वह वहाँ मेरे सामने खड़ा था एक साधारण आवारा की तरह लेकिन उसके चेहरे पर कुछ झलक रहा था जिससे पता चलता था कि वह किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वह आया था मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज के बारे में इच्छा करता है वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगा सकता है तो वह उसे हासिल कर लेता है मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने उसने मांगा क्योंकि मैंने देखा कि उसने अब तक कार्रवाई करने का मन बना लिया है जब तक कि कि सफलता नहीं मिलती बाद में साबित हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की थी उस अवसर पर जो कुछ भी युवा वंश ने श्रीमान एडिसन से कहा वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था एडिसन ने खुद ऐसा कहा था ये उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी ये तो उसकी सोच थी जिस पर भरोसा था यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब के शेष भागों की जरूरत नहीं होती बंस को अपने पहले इंटरव्यू में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला था ऐसा काम जो कि एडिसन के लिए बेकार था लेकिन बंस के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसे उसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था महीनों गुजर गए उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो बंश ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ लेकिन बंश के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार हो जाता है तो उसकी बराह आकृति में झलकने लगता है बंस एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था इसके अलावा वह तब तक तैयार था जब तक कि उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा है उसने अपने आप से ये नहीं कहा था कि क्या फायदा है मैं अपना मन बदल लूंगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूंगा बल्कि उसने ये कहा था कि मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया हूँ यदि मेरा इसमें शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे हासिल करके रहूंगा उसका यही मतलब था लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी होती है अगर वह एक निश्चित उद्देश्य अपनाते जब तक उनके सब कुछ पाने वाली जुनूनी बनने का समय नहीं आ जाता शायद युवा वंश को तब ये बात पता नहीं थी लेकिन उसने दृढ़ संकल्प एक इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हट सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने जिसकी वह खोज कर रहा है जब अवसर आया वंश की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में एक अलग दिशा से आया वह अवसर की चालों में से एक है पिछले दरवाजे से सरक कर आने की इसकी धूर्त आदत है और अक्सर ये दुर्भाग्य अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आता है शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं श्रीमान एडिसन ने अभी अभी उस समय एडिसन डिडक्टिंग मशीन अब एडी फोन नाम से जानी जाने वाली

उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध किया इस व्यापार साझेदारी से नारा बना एडिसन द्वारा बनाया गया और वंश द्वारा स्थापित किया गया व्यापार गठबंधन तीस से अधिक वर्षों से चल रहा है इसके जरिए वंश ने खुद को अमीर बनाया बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया है उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं अब एक अलग स्थिति में देखते हैं एक आदमी का अध्ययन करते हैं, जिसके पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे लेकिन उसने इसे खो दिया सोने से तीन फुट पहले विफलता के सबसे समान कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का दोषी होता है आर्यु डार्वी के एक अंकल गोल्ड रस स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे और खुदाई करके अमीर बनने पश्चिम चले गए थे उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग में होता है उन्होंने दावा किया और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए जाना बहुत कठिन था लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी हफ्तों के मेहनत के बाद वे चमकने वाले एक्स के करीब पहुंच गए और उन्हें थोड़ा सा एक्स मिल भी गया एक्स को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की जरूरत थी उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया विलियम्सबर्ग मैरीलैंड में अपने घर की ओर चले गए और अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया और उसे भिजवा दिया अंकल और डार्वी खादान काम करने के लिए वापस चले गए एक्स की पहली कार का खनन किया गया और उसे एक लेबोरेटरी में भेज दिया गया उसके लाभ ने साबित कर दिया सबसे समृद्ध खानों में से एक थी एक्स की कुछ और कारे कर्जे को निपटा देती तब एक बड़ा लाभ हाथ आता खुदाई गहरी होती गई डारवी और अंकल की उम्मीदें चढ़ती गईं पर कुछ हुआ थोड़ा अचानक गायब हो गया वह इंद्रधनुष के अंत पर पहुंच गया था और वह खुदाई करते रहे पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ अंत में उन्होंने इसे छोड़ देने का फैसला किया उन्होंने सारी मशीनरी कुछ सौ डॉलर में एक कवाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली कुछ कवाड़ी बेवकूफ होते हैं लेकिन ये नहीं था उसने खादान को एक छोटी सी गणना करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया इंजीनियर ने सलाह दी परियोजना विफल रही है क्योंकि मालक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं थे उसकी गणना ने दिखाया कि खुदाई उस जगह से महज तीन फुट दूर होती है जहाँ पर डार्वी ने खुदाई बंद कर दी थी और वह बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई कबाड़ी ने खदान से एक्स में करोड़ों डॉलर कमाए क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था अधिकांश पैसा जो मशीनों में चला गया था आर्यू डार्बी जो एक युवा आदमी था के प्रयासों से प्राप्त हुआ था वह पैसा उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था उसने हर डॉलर का भुगतान किया हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लग गए लंबे समय बाद श्रीमान डार्बी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने ये खोज कर ली कि इच्छा को सोने में कैसे बदला जा सकता है ये खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद हुई किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफी अस्थाई असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है जब पराजय एक आदमी को काबू करती है तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात है उसे छोड़ देना होता है ज्यादा तो लोग यही करते हैं इस देश के अभी तक के सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया है कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के बिंदु से सिर्फ एक कदम आगे विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी है ये सफलता पर लगभग पहुंचे हुए हर व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है इच्छा धनवान होने की तरफ पहला कदम जब एडविन सी बंस तीस से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे भले ही वे एक बिकमंगे के समान दिखाई दे रहे हों लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे जब उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा तो उनका दिमाग काम में लगा हुआ था उन्होंने अपने आप को एडिसन के सामने देखा श्री एडिसन से अपने जीवन के उपयोग जुनून के बारे में बताया और एक अवसर देने का अनुरोध किया महान आविष्कारक व्यापार साझेदार बनने की एक धड़कती हुई इच्छा वंश की इच्छा एक उम्मीदवार नहीं थी ये एक धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ पार कर चुकी थी ये निश्चित थी जब उन्होंने एडिसन का दरवाजा खटखटाया तो इच्छा नई नई थी ये वंश पर लंबे समय से हावी इच्छा थी शुरुआत में जब ये इच्छा उनके दिमाग में पहली बार आई थी हो सकता है कि तब शायद ये केवल एक इच्छा थी लेकिन जब इसके साथ एडिसन के सामने पेश हुए तब कोई ये मात्र इच्छा नहीं थी कुछ साल बाद एडविंसी वंस एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक से मुलाकात की थी उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी वे एडिसन के साथ व्यापार कर रहे थे उनके जीवन पर हावी होने वाला सपना एक वास्तविकता बन गया था आज जो भी लोग वंश को जानते हैं उन्हें जो वो सफलता मिली उसकी वजह से वो उनसे नफरत करते हैं अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया वे पहले ही दिन एडिसन के साझेदार नहीं बन गए थे उन्होंने एक सेवक की तरह काम शुरू किया जब तक उन्हें वह मौका नहीं मिल गया जिसकी तलाश में वह एडिसन के पास आए थे वह जिस अफसर की तलाश में थे उसके उपस्थित होने से पहले पाँच साल बीत गए थे उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनसे भी एक वादा नहीं किया गया था खुद को छोड़कर सभी को वह एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दाते की तरह दिखाई दे रहे थे लेकिन उनके मन में बहुत पहले उसी दिन जब वे पहली बार वहां काम करने आए थे वे समय के हर मिनट एडिसन के साझीदार थे वंश ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वह और जो कुछ भी चाहते थे उसकी तुलना में उनका श्री एडिसन के साथ व्यापार साझीदार बनने की इच्छा प्रबल थी उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था लेकिन उन्होंने अपने पीछे सभी पुलों को जला दिया वे अपनी इच्छा के साथ खड़े थे जब वे ऑरेंज गए उन्होंने खुद से ये नहीं कहा था मैं एडिसन को अपने लिए एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं कुछ साल पहले वहीं काम करूंगा। यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो मैं उस नौकरी को छोड़ दूँगा और कहीं दूसरी जगह नौकरी दौड़ लूँगा उन्होंने कहा था मैं कहीं भी शुरू कर दूँगा मैं कुछ भी करूँगा जो एडिशन मुझे करने के लिए कहेंगे लेकिन मैं उनका साझेदार बन के रहूंगा उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा था उन्हें जीतना था या फिर नष्ट हो जाना था सफलता की बंश की कहानी के पीछे यही सब कुछ है बहुत समय पहले एक महान योद्धा को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने उसके लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया जो युद्ध के मैदान में उसकी सफलता सुनिश्चित करता वह अपनी सेनाओं को ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था जिसके सैनिकों की संख्या अपने सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक थी उसने अपने सैनिकों को नावों में सवार किया दुश्मन के देश के लिए रवाना हुआ सैनिकों और हथियारों को उतारा उसके बाद उन्हें लाने वाली नावों को जलाने का आदेश दे दिया पहली लड़ाई से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा आप नावों से उठते हुए धुओं को देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब तक हम जीत नहीं जाते हम वापस नहीं लौट सकते हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है हम या तो जीतेंगे या फिर मर जाएंगे और अंत में वे जीत गए हर आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीतता है अपने जहाज़ों को जलाने के लिए तैयार होता है और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है केवल ऐसा करके ही कोई मन की उस अवस्था को बनाए रखने के बारे में सुनिश्चित हो सकता है जिसे सफलता के लिए आवश्यक जीतने की एक जलती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है शिकागो में एक बड़ी आग लगने के बाद सुबह व्यापारियों का एक समूह अपनी दुकानों से उठते हुए धुएं को देखते हुए स्ट्रेट स्ट्रीट पर खड़ा था वे तय करने के लिए कि क्या दुकानों को फिर से बनाना चाहिए या शिकागो छोड़कर चले जाना चाहिए वे एक सम्मेलन में गए एक को छोड़कर सभी शिकागो छोड़ने का निर्णय लेते हैं वे व्यापारी जिसने वहीं रहने और फिर से अपनी दुकान को बनाने का फैसला किया था अपने दुकान के मलबे को देखकर उंगली से इशारा करते हुए कहता है सज्जनों उस स्थान पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बनाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितनी बार जल जाती है ये पचास से अधिक साल पहले हुआ था दुकान बन गई ये आज भी वहाँ खड़ी है मन की उस अवस्था की शक्ति के एक विशाल स्मारक के रूप में जिसे एक दरकती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है मार्शल फील्ड के लिए कहने में आसान वास्तव में वही होता है जो तो उसके साथी व्यापारियों ने किया जब जाना मुश्किल था और भविष्य निराशाजनक दिख रहा था तो वे वहाँ से चले गए जहाँ जाना आसान लग रहा था मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि यही एक अंतर है जो एडवेंसी बंस को एडिसन के संगठन में काम करने वाले अन्य हजारों युवा से अलग करता है ये वही अंतर है जो व्यवहारिक रूप से उन सभी को जो सफल होते हैं उन लोगों से अलग करता है जो असफल होते हैं कामना धन नहीं लाएगी बल्कि मन की अवस्था के साथ धन की कामना जब एक जुनून बन जाती है तब निश्चित तरीके की योजना बनाना और धन करने के साधन और उन योजनाओं को ऐसी छह नियम हैं जो आपको याद रखने चाहिए पहला आप कितना पैसा चाहते हैं मन में सटीक मात्रा तय करें मैं बहुत पैसा चाहता हूँ ये केवल कहना ही पर्याप्त नहीं है इसे राशि के रूप में निश्चित करें दूसरा आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं ये निर्धारित करें कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई वास्तविकता नहीं है एक निश्चित तारीख निर्धारित करें जब आप इच्छित पैसे पाने का इरादा रखते हैं चौथा अपनी इच्छा को लागू करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और एक बार में शुरू कर दें चाहे आप उस योजना को करने के लिए तैयार हों या फिर नहीं पांचवा आप जो पैसा प्राप्त करना चाहते हैं उस राशि को कहीं पर लिखें छठा अपना लिखित बयान दिन में दो बार जोर से पढ़ें एक बार रात में सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह जागने के बाद जब आप पढ़ें तो देखें और महसूस करें और अपने आप पर विश्वास करें कि पैसे पहले से ही आपके कब्जे में हैं ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है आप ये शिकायत कर सकते हैं कि पैसों को अपने पास देखना इससे पहले कि वास्तव में पैसा आपके पास हो आपके लिए असंभव है यही जगह है जहाँ एक धड़कती हुई इच्छा आपकी मदद के लिए आएगी यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसे की इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है तो अपने आप को ये समझाने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि आप इसे हासिल करेंगे लक्ष्य है पैसे चाहना और इसे पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प बनना कि आप अपने आप को समझा सकें कि ये आपको प्राप्त होगा केवल वे लोग जो धन सचेत बन गए हमेशा भारी मात्रा में धन जमा करते हैं धन सचेत धन सचेत का मतलब है कि मन धन की इच्छा से इतनी ज्यादा लग गया है कि वह देख सकता है कि व्यक्ति पहले से कहीं अधिक धन उसके कब्जे में है मानसिक रसायन शास्त्र के कुछ अज्ञात और शक्तिशाली सिद्धांत के माध्यम से जिसका उसने कभी खुलासा नहीं किया प्रकृति वह कुछ मजबूत इच्छा के आवेग में लपेटती है जो असंभव जैसे किसी शब्द को नहीं पहचानती है और विफलता जैसे किसी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती है इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है आस्था धनवान होने की तरफ दूसरा कदम आस्था दिमाग का एक प्रमुख रसायन है जब आस्था विचारों के साथ मिलती है तो अवचेतन मन विचारों को तुरंत ग्रहण कर लेता है इसको आध्यात्मिक रूप में बदलता है जैसे प्रार्थना के मामले में होता है विश्वास प्रेम और सेक्स की भावना सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होते हैं जब तीनों मिलते हैं तब उनके विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि यह तुरंत अवचेतन मन तक पहुंच जाता है जहां वह अपने आध्यात्मिक रूप में बदल जाता है प्रेम और विश्वास मानसिक होते हैं इंसान के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं सेक्स केवल शारीरिक रूप से संबंधित है इन तीनों भावनाओं के मिलान से आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी रेखा खोलने पर प्रभाव पड़ता है विश्वास कैसे विकसित करें आप अवचेतन मन से ये कह सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपको वह मिलेगा जिसकी आप इच्छा करते हैं और ये उस विश्वास पर कार्रवाई करेगा जिसे आपका अवचेतन मन आपको जो आपकी इच्छा है उसे पाने की योजना बनाएगा जिसके द्वारा जहाँ पहले से ही विश्वास मौजूद नहीं है एक इंसान इसे करता है। बेहद कठिन है बारे में बताना जिसने कभी कोई रंग देखा ही नहीं और कुछ भी नहीं जिसकी तुलना आप इसके साथ कर सकें आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसके आप तेरा सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद इच्छा विकसित कर सकते हैं क्योंकि ये दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो इन सिद्धांतों के लागू करने और प्रयोग करने के माध्यम से अपने आप विकसित होती है सभी युगों में महान लोगों ने मानवता के लिए संघर्ष कर इसमें और अन्य सिद्धांत में विश्वास करने के लिए चेताया है लेकिन वे लोगों को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि विश्वास कैसे विकसित करें उन्होंने ये नहीं कहा आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो खुद सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है आस्था सभी धन संचय का शुरुआती बिंदु है आस्था सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिसे विज्ञान से नकारा नहीं जा सकता आस्था असफलता का एकमात्र इलाज है आस्था वह रासायनिक तत्व है जो प्रार्थना के साथ मिलकर अनंत बुद्धि से सीधा संचार स्थापित करती है आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा ब्रह्मांडी शक्ति मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है आत्मविश्वास का सूत्र मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है इसलिए मैं इसकी प्राप्ति की ओर निरंतर कार्रवाई की अपने आप से लगातार मांग करता हूँ मुझे एहसास है कि मेरे दिमाग में प्रभावी विचार अपने आप को बाहर की ओर भौतिक क्रिया में प्रदर्शित होंगे और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे इसलिए मैं अपने विचार को दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए जैसे बनने का इरादा रखता हूँ ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में जो सोचने का काम करने पर केंद्रित करूंगा मैंने अपने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है मैं पूरी तरह से महसूस करता हूँ कि कोई धन स्थिति को जब तक सत्य और न्याय से नहीं बनी है लंबे समय तक ये नहीं टिक सकती इसलिए मैं ऐसे किसी भी लेन देन में शामिल नहीं हुआ जो उन्हें लाभ पहुँचाए जिन्हें ये प्रभावित करता है मैं उन शक्तियों को जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूँ और अन्य लोगों का अपनी तरफ आकर्षित करने के द्वारा कामयाब होंगा अपनी सेवा के लिए दूसरों को प्रेरित करूंगा मैं पूरी मानवता के लिए प्रेम के विकास के द्वारा रड़ा ईस्या जलन स्वार्थ और कुटिलता समाप्त करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि दूसरों के प्रति नकारात्मक रवैया मुझे कभी सफल नहीं होने दे सकता मैं दूसरों को स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रेरित करूँगा क्योंकि मैं उन पर और अपने आप पर पूर्ण विश्वास करता हूँ मैं इस सूत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर करूंगा, इसे याद रखूंगा और हर दिन एक बार जोर से इसे पढ़ूंगा पूर्ण विश्वास के साथ दोहराऊंगा ये धीरे धीरे मेरे विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगा जिससे मैं एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा इस सूत्र के पीछे प्रकृति का जो भी नियम है कोई भी आदमी अभी तक इसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ है इसने सभी युगों के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम का नाम आत्म सुझाव दिया है और इसे उस पर चलने दिया है जैसे एक संगीतकार संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को एक वायलिन के तारों में छोटे छोटे अंशों में निकालता है ऐसे ही आप अपने दिमाग में सोई हुई प्रतिभा को जगा सकते हैं और अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन हर उस काम में विफल रहा जिसकी उसने कोशिश की जब तक उसने चालीस वर्ष की उम्र पूरी ना कर ली वह तब तक एक मामूली आदमी जब तक उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव नहीं आया उसने दिल और दिमाग के भीतर सो रही प्रतिभा को जगाया और दुनिया को इसके वास्तविक महान पुरुषों में से एक दिया वह अनुभव दुख और प्यार की भावनाओं का मिला जुला रूप है ये एनी रटलेज के माध्यम से उनके पास आया था वह एकमात्र महिला जिसे वे कवि सच में प्यार करते थे प्यार की भावना विश्वास के रूप में जानी जाने वाली मन के स्थिति के काफी हद तक समान है और इस कारण से प्यार किसी के विचारों को उनके आध्यात्मिक में बदलने के लिए बहुत करीब आता है गांधी ने आस्था के प्रभाव से वह पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति कर सकती थी और सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरी होगी भी नहीं उन्होंने 200 मिलियन दिमागों को एक दिमाग के रूप में एक सुर में संगठित होने के लिए प्रभावित करने की चौकाने वाली उपलब्धि को प्राप्त किया है आस्था को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद और कौन सी शक्ति ऐसा कर सकती है मन की कोई सीमा नहीं होती सिवा उनके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं गरीबी और धन दोनों सोच की संताने इसी के साथ यह चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे अगले चैप्टर में आत्म सुझाव आत्म सुझाव एक शब्द है जो सभी सुझाव और सभी स्व प्रशासित प्रेरणाओं पर लागू होता है जो पांच इंद्रियों के माध्यम से किसी के दिमाग तक पहुंचती है एक अन्य तरीके से कहा गया है स्वतः सुझाव आत्म सुझाव है ये संचार की एक एजेंसी है मन के उस हिस्से के बीच जहाँ चेतना के बीच सोच उत्पन्न होती है और जो अवचेतन मन के लिए कार्रवाई के आधार के रूप में कार्य करती है प्रभुत्वशाली विचारों के माध्यम से जिसे एक व्यक्ति चेतन मन में रहने की अनुमति देता है आत्म सुझाव का सिद्धांत स्वेच्छा से अवचेतन मन तक पहुंचता है और इन विचारों के माध्यम से इसे प्रभावित करता है कोई भी सोच चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो स्वतः सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकती अंतरिक्ष से प्राप्त की गई सोच इसका अवसाद है जो पांच इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती हैं, चिंतनशील चेतन मस्तिष्क द्वारा रोक ली जाती हैं और अनुसार या तो अवचेतन मन को हस्तांतरित या अस्वीकार कर दिया जाता है प्रकृति ने आदमी का निर्माण इस प्रकार किया है कि वह अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुँचने वाली चीज पर पूर्ण नियंत्रण रखता है हालांकि एक बयान के रूप में इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी हमेशा इस पर नियंत्रण का अभ्यास करता है अधिकांश उदाहरणों में वह इसका प्रयोग नहीं करता जो बताता है कि क्या कारण है कितने सारे लोग गरीबी में जीवन गुजारते हैं याद कीजिए एक उपजाऊ बगीचे जैसी तुलना में अवचेतन मन के बारे में क्या कहा गया है आत्म सुझाव नियंत्रण की एक एजेंसी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अवचेतन मन को एक रचनात्मक प्रकृति के विचारों से पाल सकता है उपेक्षा से विनाशकारी प्रकृति के विचारों को मन के इस समृद्ध बगीचे में अपना रास्ता खोजने की अनुमति दे सकता है याद रखें इसलिए जब अपनी इच्छा का लिखित बयान जोर से पढ़ते हैं जिसके माध्यम से आप एक धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि मात्र शब्दों का पढ़ना है तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि आप अपने शब्दों के साथ भावना या चेतना का मिश्रण नहीं कर देते हैं यदि आप प्रसिद्ध एमिल यू सूत्र दिन, दिन हर दिन से मैं बेहतर और बेहतर हो रही हूँ या हो रहा हूँ को तो अपने शब्दों के साथ भावना और आस्था के मिश्रण के बिना एक लाख बार तो आपका अवचेतन मन केवल उन विचारों को पहचानता है और उन पर काम करता है जो भावना या चेतना के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है या बोले गए शब्दों के साथ जिन्हें विश्वास के साथ अच्छी तरह से भावपूर्ण बना दिया गया है अपने अवचेतन मन तक पहुंचना नहीं सीख लेते पहली बार जब आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हो और यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर पाते हैं तो उत्साहित हो याद रखें कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई संभावना नहीं होती अपने अवचेतन मन तक पहुँचने और उसको प्रभावित करने की क्षमता की एक कीमत है और आपको उस कीमत का भुगतान करना होगा यदि आपकी ऐसी करने की इच्छा है तो भी आप धोखा नहीं दे सकते आपको और अकेले आपको ये तय करना होगा कि वह पुरस्कार जिसे पाने का आप प्रयास कर रहे हैं धन की चेतना इसके लिए आपको प्रयास के रूप में जितनी कीमत का भुगतान करना होगा वह उस कीमत के लायक हैवी या नहीं अकेले बुद्धि और चतुराई कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर जहाँ औसत का कानून इन स्रोतों के माध्यम से धन को आकर्षित करने और बरकरार रखने में सफल नहीं होगी इसके अलावा विधि कोई पसंद नहीं निभाती है ये किसी एक व्यक्ति के लिए उतने ही प्रभावी रूप से काम करेगी जितना ये किसी अन्य के लिए करेगी जहाँ विफलता का अनुभव होता है वहाँ ये विधि नहीं वह व्यक्ति है जो नाकाम रहा है यदि आपने कोशिश की है और आप असफल हुए हैं तो एक और प्रयास कीजिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग करने की आपकी क्षमता बहुत बड़े पैमाने पर आपकी दी गई इच्छा आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग करने की आपकी क्षमता बहुत बड़े पैमाने पर कि आप उतना ही ज़्यादा सीख सकते हैं जितना आप नहीं जानते लेकिन आप केवल विनम्रता या रवैया अपनाकर ही सीख सकेंगे पहला, किसी ऐसी शांत जगह पर जाइए या रात में बिस्तर में जहाँ आपको परेशानी या बाधित करने वाला कोई ना हो अपनी आंखें बंद कीजिए और जमा करने का इरादा किए हुए धन की राशि संचय के लिए अपनी समय सीमा और इस धन के बदले में देने के लिए इरादा किए गए सेवा या माल के एक विवरण के अपने लिखित बयान को जोर से पढ़ें इतनी जोर से कि आप अपने खुद के शब्दों को सुन सकें जब आप इन निर्देशों को लागू करें तो अपने आप को उस पैसे का पहले से ही मालिक समझें उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अब से पाँच साल बाद पहली जनवरी तक पचास हजार जमा करने का इरादा करते हैं पैसे के बदले में आपको एक विक्रेता के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं देने का इरादा है आपके उद्देश्य का आपका लिखित बयान इस प्रकार होना चाहिए 19 जनवरी की पहली तारीख तक पचास हजार मेरे अधिकार में होगा जो मेरे पास अंतिम समय के दौरान समय समय पर विभिन्न मात्रा में आएगा इस पैसे के बदले में उस सेवा या माल का वर्णन कीजिए आप जो बेचने का इरादा करते हैं विक्रेता की क्षमता में पूरी संभव मात्रा और सेवा की सबसे अच्छी संभव गुणवत्ता का उपयोग करते हुए मैं वह सबसे कुशल सेवा दूंगा जिसमें मैं सक्षम हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ये पैसा अपने अधिकार में कर लूँगा मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मैं इस पैसे को अब अपने के सामने देख सकता हूँ मैं ऐसे अपने हाथों से छू सकता हूँ और मैं इसके लिए बदले में जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह सेवा देने के अनुपात में मेरे पास आने का इंतजार कर रहा है मैं एक योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा इस धन को जमा करना और जब ये मुझे प्राप्त होगी तो मैं उस योजना का पालन करूँगा दूसरा वह धन जिसे आप जमा करने का इरादा रखते हैं जब तक आप उसे अपनी कल्पना में नहीं देख सकते हैं आप इस कार्यक्रम को सुबह और शाम दोहराएं तीसरा आप इसे ऐसे आसान जगह पर रखें जहां आप इसे आसानी से देख सकें और सुबह शाम पढ़ सकें याद रखें जैसे ही आप इन निर्देशों का पालन करते हैं आप अपने अवचेतन मन को आदेश देने के कार्य के लिए आत्म सुझाव के सिद्धांत लागू कर रहे हैं ये भी याद रखें कि आपका अवचेतन मन केवल ऐसे निर्देशों पर कार्य करेगा जो भावनात्मक हैं और इसे संवेदना के साथ हस्तांतरित किया जाता है आस्था मजबूत और भावनाओं का सबसे अधिक उत्पादक है इसे अपने आप को परेशान मत करने देना बिना ये परवाह किए कि पहली बार में वह कितने अव्यवहारिक दिख रहे हैं यदि भावना के साथ ही कार्य में आपको दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं तो वह समय भी जल्दी आ जाएगा जब शक्ति का पूरा नया ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट होगा अगर आप निर्देशों का पालन करते हैं तो आपका संदेह जल्दी विश्वास में बदल जाएगा और बदले में जल्दी उड़ आस्था में शामिल हो जाएगा तब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आप वास्तव में पहुंचना चाहते हैं मैं अपने भाग्य का मालिक खुद हूँ मैं अपनी आत्मा का कप्तान खुद हूँ इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद चैप्टर फोर व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन धनवान होने की तरफ चौथा कदम ज्ञान दो प्रकार के होते हैं एक समान और दूसरा विशेष तरह का समान ज्ञान कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितनी बड़ी मात्रा या किस्म में हो सकता है धन का संचय करने में इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है सभ्यता में समान ज्ञान के जितने भी कुल व्यवहारिक रूप ज्ञात हैं वह सब महान विश्वविद्यालयों के अधिकतर प्रोफेसरों के पास धन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है विज्ञान के शिक्षण के विशेषज्ञ होते हैं लेकिन वे ज्ञान के संगठन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते हैं ज्ञान धन को तब तक आकर्षित नहीं करेगा जब तक कि की धन के संचय के निश्चित अंत तक की कार्रवाई की व्यवहारिक योजना के माध्यम से संगठित और समझदारी से निर्देशित नहीं होता है इस तथ्य की समझ की कमी लाखों लोगों के भ्रम का स्रोत रही है जो इस गलत धारणा को मानते हैं की ज्ञान शक्ति है ऐसा कुछ भी नहीं है की ज्ञान ही संभावित शक्ति है यह शक्ति केवल तब बनता है जब ऐसे निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और एक निश्चित अंत तक निर्देशित किया जाए आज सभ्यता को ज्ञात शिक्षा की प्रणालियों में इस लापता कड़ी को शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को यह सिखाने में विफलता में पाया जा सकता है कि ज्ञान से जो प्राप्त करने के बाद उसे व्यवस्थित और प्रयोग कैसे करें बहुत से लोग ये सोचने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड की स्कूली शिक्षा बहुत थोड़ी थी वह एक शिक्षित आदमी नहीं है वे लोग जो ये गलती करते हैं वे हैनरी फोर्ड को नहीं जानते ना ही वे एजुकेट का वास्तविक अर्थ समझते है ये शब्दों से लिया गया है इसका अर्थ होता है बाहर लाना या भीतर से विकसित करना एक शिक्षित व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह हो सामान्य या विशेष ज्ञान है एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मन को इस तरह विकसित किया है कि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वह जो कुछ भी चाहता है उसे या उसके बराबर को प्राप्त कर लेता है हेनरी फोर्ड अच्छी तरह से इस परिभाषा के अर्थ के भीतर आते हैं प्रथम के के दौरान शिकागो के एक अखबार ने प्रकाशित किए जिसमें अन्य बयानों के बीच में हेनरी फोर्ड को एक अज्ञानी निराशावादी कहा गया श्रीमान फोर्ड ने बयानों पर आपत्ति जताई और उनके बारे में अपमानजनक लेख लिखने के लिए अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जब कोर्ट में मुकदमा चला तो अखबार के वकीलों ने श्रीमान फोर्ड के अज्ञानी होने की बात कही जूरी को साबित करने के प्रयोजन से उन्हें सवाल के कटघरे में बुलाया गया वकीलों ने श्रीमान फोर्ड से बहुत ही अलग तरीके से सवाल पूछे उनके अपने ही सबूत के द्वारा ये साबित करने के इरादे से थे कि वे ऑटोमोबाइल के, के निर्माण से संबंधित काफी विशेष ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं परंतु मुख्य रूप से अज्ञानी थे श्रीमान फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए थे डिक्ट कौन था? और सत्रह और छिहत्तर के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था आखिरी के सवाल में श्रीमान फोर्ड ने कहा कि मुझे ब्रिटिश द्वारा भेजे गए सैनिकों की संख्या तो नहीं पता लेकिन मैंने सुना है कि ये संख्या उन सैनिकों की तुलना में काफी अधिक थी जो कभी वापस नहीं लौटे अंत में श्रीमान फोर्ट पूछताछ की इस झड़ी से थक जाते हैं और एक विशेष रूप से आक्रामक सवाल के जवाब में वे वकीलों की ओर उंगली से इशारा करते हैं यदि मैं वास्तव में इस बेवकूफ़ी वाले सवाल का जवाब या किसी भी अन्य सवाल का जो आप मुझसे पूछ रहे हैं देना चाहूं, तो मैं आपको याद दिला दूं, मेरी मेज पर बिजली के पुश बटनों की कतार है और सही बटन दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमी को बुला सकता हूं जो मेरे उस व्यवसाय से संबंधित मेरी इच्छा के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है जिसमें मैं अपने ज्यादातर प्रयास लगा रहा हूँ अब क्या आप मुझे बताएंगे सवालों के जवाब देने में सक्षम होने के उद्देश्य से मुझे सामान्य ज्ञान से अपने दिमाग को कितना भरना चाहिए जबकि मेरे चार ओर ऐसे आदमी हैं जो किसी भी ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं निश्चित रूप से उस उत्तर में अच्छा तर्क था उस जवाब ने वकील को चित्त कर दिया अदालत में हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह एक अज्ञानी नहीं है बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति का जवाब था कोई भी शिक्षित आदमी जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना के लिए कैसे इस्तेमाल करना है अपने मास्टर समूह की सहायता से हैनरी फोर्ड के आदेश पर उन्हें अमेरिका का सबसे धनी लोगों में से एक बनने में उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक उनकी जरूरत का सारा विशेष ज्ञान उनके पास था यह जरूरी नहीं था कि ये ज्ञान उनके दिमाग में हो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसका इस प्रकृति की पुस्तक पढ़ने में काफी झुकाव और ज्ञान हो संभवता इस उदाहरण के महत्व को चूक सकता है इससे पहले कि आप अपनी इच्छा को इसके मौदिक समतुल्य में परिवर्तित करने की अपनी योग्यता के बारे में विश्वस्त हो जाए आपको सेवा व्यापार या पैसे के रूप में उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसे आप संपत्ति के बदले में पेश करने का इरादा रखते हैं शायद प्राप्त करने की अपनी मौजूदा क्षमता या झुकाव की तुलना में आपको बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है और यदि ये एक सच है तो अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी इस कमजोरी को पाट सकते हैं सफल लोग सभी क्षेत्रों में अपने प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं वे लोग जो सफल नहीं होते हैं आमतौर पर ये विश्वास करने की गलती करते हैं ज्ञान प्राप्त करने का समय स्कूल खत्म करने के समय ही खत्म हो जाता है परंतु सच्चाई ये है कि स्कूली शिक्षा ही आपको व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें इसे सीखने के रास्ते पे डालती है इस बदली हुई दुनिया के साथ जो आर्थिक पतन के अंत में शुरू हुई शैक्षिक जरूरतों में टोकाने वाला परिवर्तन भी आया विशेषता का जमाना है इस सच्चाई पर कोलम्बिया विश्वविद्यालय की नियुक्ताओं के सचिव रॉबर्ट पी मोर द्वारा जोर दिया गया रोजगार कंपनियां विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की मांग करती हैं जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं जैसे लेखा और सांख्यिकी में प्रशिक्षण के साथ बिजनेस स्कूल के स्नातक सभी किस्मों के इंजीनियर पत्रकार और आर्किटेक्ट उनके लिए मैं एक जानकारी जोड़ूंगा कि श्रीमान वियर 40 से अधिक उम्र के और शादीशुदा थे जब वे वापस स्कूल गए इसके अलावा ध्यान से चुने हुए विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे तैयार कॉलेजों में विशेष पाठ्यक्रम का चयन करके श्रीमान वियर ने दो साल में वह काम पूरा कर लिया जिसके लिए अधिकतर कानून के छात्रों को चार साल की आवश्यकता पड़ती है ज्ञान कैसे खरीदे ये जानना लाभदायक है वह वै व्यक्ति जो अध्ययन केवल इसलिए बंद कर देता है क्योंकि वह स्कूल समाप्त कर चुका है हमेशा निराशा के साथ सामान्य रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई व्यवसाय हो ज्ञान की निरंतर खोज का तरीका ही सफलता का रास्ता है अवसाद के दौरान एक किराने की दुकान में एक विक्रेता ने खुद को बेरोजगार पाया बही खाते का कुछ अनुभव होने से उसने लेखांकन में एक विशेष पाठ्यक्रम ले लिया खुद को सभी नवीनतम बही खातों और कार्यालय उपकरणों से परिचित कराया और खुद के कारोबार में लग गया उस पंसारी के साथ शुरू करते हुए जिसके लिए वह पहले काम किया करता था उसने सौ से अधिक छोटे व्यापारियों के साथ एक बहुत ही मामूली मासिक शुल्क पर उनका हिसाब किताब रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट शामिल कर लिया उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्द ही उसने एक हल्के वितरण ट्रक में पोर्टेबल कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जिसे उसने आधुनिक बही खाता मशीनों से सजा लिया अब उसके पास पहियों पर इन बही खाता कार्यालय वाली गाड़ियों का एक बहुत मामूली कीमत पर पैसे से खरीदी जा सकने वाली सर्वोत्तम चीज के बराबर है विशेष ज्ञान साथ में कल्पना व जिसे अनूठा और सफल कारोबार चल पाया पिछले साल उस व्यापार के मालिक ने उस व्यापारी से दस गुना अधिक आयकर का भुगतान किया जिसके लिए वह काम करता था जब अवसाद ने उस एक अस्थायी विपरीत परिस्थिति के लिए मजबूर किया जो कि उस वेश में एक वरदान साबित हुई एक सफल कारोबार की शुरुआत एक विचार था मुझे इस विचार के साथ बेरोजगार विक्रेता की आपूर्ति करने का सौभाग्य मिला अब मैं एक और विचार सुझाने के सौभाग्य की कल्पना करता हूँ जिसके भीतर और भी अधिक आय की संभावना है इसके अलावा उन हजारों लोगों को उपयोगी सेवा प्रदान करने की संभावना है जिन्हें उस सेवा की सख्त जरूरत है इस विचार का सुझाव उस विक्रेता द्वारा दिया गया था जिसने बेचना छोड़ दिया और थोक आधार पर हिसाब किताब रखने का कारोबार करने लगा जब योजना का सुझाव अपनी बेरोजगारी की समस्या के एक समाधान के रूप में दिया गया था तो उसने तुरंत कहा मुझे ये विचार पसंद है लेकिन मैं नहीं जानता इसे नकदी में कैसे बदलते हैं दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की बई खाता ज्ञान हासिल करने के बाद उसे पता नहीं था इसे कैसे बेचा जाए तो अब एक और समस्या खड़ी हो गई जिसे हल किया जाना था हाथ अभिलेख में चतुर एक महिला टाइपिस्ट और जो कहानी को एक साथ कर सकती थी इस आयता से बही खाते की नई प्रणाली के फायदों का वर्णन करती है एक बहुत ही आकर्षक किताब तैयार की गई सभी विचारों के पीछे एक विशेष ज्ञान होता है दुर्भाग्य से उन लोगों द्वारा जो तो संपत्ति नहीं प्राप्त कर पाते विचारों की तुलना में विशेष ज्ञान प्रचुर मात्रा में अधिक आसानी से हासिल किया जाता है इस सत्य के कारण उस व्यक्ति के लिए एक सार्वभौमिक मांग और एक हमेशा बढ़ने वाला अवसर मौजूद होता है जो पुरुषों और महिलाओं को लाभ पहुंचाता है उनकी व्यक्तिगत सेवाएं बेचने में मदद करने में सक्षम है क्षमता का अर्थ है कल्पना एक गुणवत्ता जिसकी धन की उपज के लिए डिजाइन की गई संगठित योजना के रूप में विचारों के साथ विशेष ज्ञान जोड़ने की जरूरत है यदि आपके पास कल्पना है तो शायद ये अध्याय आपको उस धन की जिसको आपकी इच्छा है की शुरुआत करने का एक विचार दे सकता है याद रखें कि विचार मुख्य बात है विशेष ज्ञान बस बहुत ही पास है आसपास पाया जा सकता है इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है धन्यवाद चैप्टर पांचवा कल्पना धनवान होने की तरफ पांचवा कदम कल्पना सचमुच एक कार्यशाला है इसमें आदमी द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है दिमाग के कल्पनाशील संख्याय की सहायता से आवेग इच्छा को आकार रूप और कार्य रूप दिया जाता है कहा गया है कि आदमी कुछ भी बन सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है सभ्यता के सभी युगों में ये युग कल्पना के विकास के लिए सबसे अनुकूल है क्योंकि ये तेजी से परिवर्तन का एक युग है हर तरफ आप उत्तेजनाओं से संपर्क कर सकते हैं जो कल्पना का विकास करती है कल्पना दो प्रकार की होती है पहली होती है सेंथेटिक कल्पना इस संकाय के माध्यम से आप पुरानी अवधारणाओं विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं यह संक्याय कुछ भी नहीं बनाता ये केवल अनुभव शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के साथ काम करता है जिससे इसे चलाया जाता है ये उस अपवाद के साथ आविष्कारकों के द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संकाय है। जो रचनात्मक कल्पना का सहारा तब लेता है जब वह सेंथेटिक कल्पना के माध्यम से अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता है दूसरी होती है रचनात्मक कल्पना रचनात्मक कल्पना के संख्याओं के माध्यम से आदमी का सीमित दिमाग अनंत ज्ञान से सीधा संचार होता है ये वे जिसके माध्यम अंत ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त किए जाते हैं सभी बुनियादी या नए विचारों को इस संकाय द्वारा आदमी को सौंप दिया जाता है यही संख्याएं के माध्यम से ही होता है कि दूसरों के दिमाग से विचार कंपन प्राप्त किए जाते हैं ये इस संख्या के माध्यम से ही होता है कि व्यक्ति सुर मिलाकर या अन्य लोगों के अवचेतन के मन के साथ संवाद कर सकता है बातचीत कर सकता है रचनात्मकता कल्पना स्वचलित रूप से काम करती है आप जैसे ही इन सिद्धांतों का पालन करते हैं दिमाग में रखे की कोई इच्छा को पैसे में कैसे परिवर्तित कर सकता है इसकी पूरी कहानी को एक बयान में नहीं बताया जा सकता कहानी केवल तब पूरी होगी जब कोई महारत हासिल कर चुका होगा ग्रहण कर चुका होगा और सभी सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू कर चुका होगा। व्यापार उद्योग वित्त के महान नेता और महान कलाकार संगीतकार कवि और महान लेखक क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना के संकाय को विकसित किया कल्पना के सेंथेटिक और रचनात्मक दोनों संकाय उपयोग से अधिक सर्थक हो जाते हैं जैसे ही शरीर की कोई भी मांसपेशी या अंग उपयोग के माध्यम से विकसित होते हैं इसके अलावा ये बयान अद्भुत महत्व का है ये धरती आपके शरीर की अरबों व्यक्तिगत कोशिकाओं की हर एक कोशिका पदार्थ का हर परमाणु ऊर्जा के एक अमूर्त रूप में शुरू हुआ था विचार आवेग ऊर्जा के रूप है जब आप पैसा जमा करने के लिए विचार आवेग इच्छा से शुरू करते हैं तो आप अपनी सेवा में वही समान प्रयोग करते हैं जो प्रकृति ने पृथ्वी और ब्रह्मांड में और सामग्री स्वरूप को बनाने में प्रयोग किए थे शरीर और दिमाग सहित जिसमें विचार आवेग काम करते हैं कल्पना का उपयोग कैसे करें इस उदाहरण से समझते हैं मैं क्या करता यदि मेरे पास दस लाख डॉलर होते ये कहानी उस पुरानी कहावत जहाँ चाहे वहाँ राय की सच्चाई साबित करती है ये कहानी मेरे प्रिय शिक्षक और धर्म उपदेश स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू कुलसोलस ने सुनाई थी जिन्होंने दक्षिण शिकागो के स्टॉक यार्ड क्षेत्र में अपना उपदेश कैरियर शुरू किया था जब डॉक्टर कॉलेज समय से गुजर रहे थे उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोस्त देखे जिन्हें वे मानते थे वे ठीक कर सकते हैं यदि वे कॉलेज के प्रमुख होते उनकी गहरी इच्छा ऐसे शैक्षिक संस्थान का निर्देशक बनना था जिसमें युवा पुरुषों और महिलाओं को करते हुए सीखना पढ़ाया जाएगा उन्होंने एक नया कॉलेज व्यवस्थित करने का मन बना लिया जिसमें वे अपने विचारों को शिक्षा के रूढ़िवादी तरीकों से अच्छा बनाए बिना पूरा कर सकते थे उन्हें अपनी परियोजना शुरू करने के लिए एक लाख डॉलर की जरूरत थी पैसे की इतनी बड़ी राशि के लिए उन्होंने अपने हाथ फैलाए होंगे यही सवाल था जिसने इस महत्वाकांक्षी युवा उपदेशक के विचार को सबसे ज्यादा सोख लिया था लेकिन उनकी कोई भी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही थी हर रात वह अपने साथ बिस्तर पर उस विचार को ले जा रहे थे वे जहाँ भी गए इसे अपने साथ ले गए वे इसे तब तक, तक अपने दिमाग में बार बार घुमाते रहे जब तक उनके लिए एक हावी होने वाला जुनून नहीं बन गया एक लाख डॉलर एक भारी राशि थी वह इस तत्व को पहचानते थे लेकिन वे ये भी जानते थे एकमात्र सीमा वह होती है जिन्हें हम अपने दिमाग में मान्यता देते हैं। एक दार्शनिक और साथ ही एक उपदेशक होने के नाते डॉक्टर बुनसोलस ये जान गए थे जैसे सभी सफल लोग जानते हैं उद्देश्य की निष्ठा की वे प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से हमें अवश्य शुरुआत करनी चाहिए वे ये भी जानते थे उद्देश्य की निष्ठा जीवन और शक्ति को जीवित कर देता है जब उस उद्देश्य को उसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करने के लिए ज्वलंत इच्छा का समर्थन मिलता है वह इन सब महासच्चाइयों को जानते थे फिर भी उन्हें नहीं पता था कि दस लाख डॉलर के लिए कहाँ और कैसे हाथ फैलाएं स्वाभाविक तो प्रक्रिया के अनुसार वे ये कहकर त्याग देते हैं ओ वैसे मेरा विचार तो अच्छा है लेकिन मैं इसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं कभी भी आवश्यक दस लाख डॉलर नहीं जुटा सकता बिल्कुल ऐसा ही अधिकतर लोगों ने कहा होता है लेकिन डॉक्टर गुनसोलस ने ये नहीं कहा था उन्होंने जो कहा और किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उनका परिचय कराता हूँ और उन्हें स्वयं बोलने देता हूँ एक शनिवार की दोपहर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के तरीकों और साधनों के बारे में सोच रहा था लगभग दो साल तक मैं सोचता रहा सोचने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया कार्रवाई का समय आ गया मैंने उसी समय अपना मन बना लिया कि मैं इस सप्ताह के भीतर आवश्यक दस लाख डॉलर प्राप्त कर लूंगा पर कैसे मैं उस बारे में चिंतित नहीं था महत्व की मुख्य बात यह है कि एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा पाने का निर्णय किया गया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पल मैं विशेष समय के भीतर पैसा जुटाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा आश्वासन की एक ऐसी अजीब भावना मेरे पास आ गई जैसी मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी मेरे अंदर से कोई कुछ कहता प्रतीत हुआ आप बहुत समय पहले क्यों इस निर्णय पर नहीं पहुंचे? पैसा हमेशा आपका इंतजार कर रहा था चीजें जल्दी में होना शुरू हो गईं मैंने समाचार पत्रों को फोन किया और घोषणा की मैं अगली सुबह एक धर्मोपदेश का प्रचार करूंगा जिसका शीर्षक होगा यदि मेरे पास दस लाख डॉलर होते तो मैं क्या करता मैं तुरंत धर्मोपदेश पर काम करने लगा लेकिन मुझे आपको ये स्पष्ट रूप से अवश्य बताना चाहिए कि काम कठिन नहीं था क्योंकि मैं लगभग दो साल से धर्मोपदेश की तैयारी कर रहा था इसके पीछे की भावना मेरा एक हिस्सा थी आधी रात से पहले मैं धर्मोपदेश लिख चुका था मैं बिस्तर पर चला गया और विश्वास की भावना के साथ सोया क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को दस लाख डॉलर के स्वामी के रूप में देख सकता था अगली सुबह मैं जल्दी उठा बाथरूम गया धर्म उपदेश पड़ा फिर अपने घुटनों पर बैठा और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक पैसे की जरूरी आपूर्ति कर देगा जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे पास फिर आश्वासन की भावना थी कि पैसे आने वाले अपने उत्साह में मैं अपने लिखित प्रवचन के बिना ही बाहर चला गया और इस भूल का तब तक मुझे पता नहीं चल पाया जब तक मैं अपने प्रवचन मंच पर नहीं आ गया और इसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया था मेरे नोट्स के लिए वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और क्या आशीर्वाद था कि मैं वापस नहीं जा सकता था इसके बजाय मेरे अवचेतन मन ने आवश्यक सामग्री प्रदान कर दी जब मैं अपना अवचेतन मन शुरू करने के लिए उठा मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सपनों को दिल और आत्मा से बोला मैंने सिर्फ अपने दर्शकों से बात नहीं की है बल्कि मुझे गर्व है कि मैंने भगवान से भी बात की है मैंने बताया मैं दस लाख डॉलर का क्या करूंगा यदि वह राशि मेरे हाथों में रख दी जाती है मैंने एक महान शैक्षिक संस्था के संगठन की योजना जो मेरे दिमाग में थी उसका वर्णन किया जहाँ युवा लोग व्यवहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही दिमाग को विकसित करेंगे जब मैं प्रवचन समाप्त कर चुका और बैठ गया तो लगभग तीन लाइनों पीछे से एक आदमी ने अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे मंच तक अपना रास्ता बनाया मैं सोच रहा था वह क्या करने जा रहा है वह मंच पर आया अपना हाथ फैलाया और कहा आदरणीय मुझे आपका धर्म उपदेश पसंद आया मुझे विश्वास है आप वह सब कर सकते हैं जो आपने कहा है आप करोगे यदि आपके पास दस लाख डॉलर होते मैं आप में और आपके धर्मोपदेश में विश्वास करता हूँ यह साबित करने के लिए मैं आपको दस लाख डॉलर दूंगा आप कल सुबह मेरे कार्यालय में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है युवा श्रीमान आर्मर की कार्यालय गया और दस लाख डॉलर उसे प्रस्तुत किए गए उस पैसे से उन्होंने आर्मर प्रौद्योगिकी संस्थान की, की स्थापना की ये राशि उस राशि से अधिक है जो अधिकतर प्रचारक कभी जीवन भर देखते हैं फिर भी पैसे के पीछे का विचार आवेग युवा विचार के दिमाग में एक मिनट के अंश में बना था आवश्यक दस लाख डॉलर एक विचार के परिणाम के रूप में आया था विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा उन सोलह लगभग दो साल से अपने मन में पाल रहा था इस महत्वपूर्ण तत्व को ध्यान से देखें, उन्होंने ये पैसा अपने खुद के मन में इसे पाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने और इसे पाने की निश्चित योजना पर निर्णय लेने के 36 घंटे बाद आया विचार अमूर्त बल है लेकिन इनके पास भौतिक दिमाग से ज्यादा शक्ति होती है जो इन्हें जन्म देते हैं इनके पास वह शक्ति होती है जिससे वह अपने जन्मदाता दिमाग के धूल में वापस मिल जाने के बाद फिर भी जीवित रहते हैं और सफलता के लिए कोई बहाना नहीं होता इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद चैप्टर छठा योजना कैसे बनाए आपने सीखा है कि वह सब कुछ जो आदमी बनाता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होती है कल्पना की कार्यशाला में जा इसके लिए योजना बनाई जाती है अब हम आपको बताएंगे कि योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं। पहला अपने आप को अधिक से अधिक लोगों के समूह के एक साथ सहयोगी बनाएं। जैसा कि अपनी योजना या योजनाओं के निर्माण के लिए मास्टरमाइंड सिद्धांत के धन संचय उपयोग के लिए आपको आवश्यकता हो सकती है दूसरा अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने से पहले आपको ये निश्चित करना है कि आप अपने समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को उनके सहयोग के लिए बदले में क्या देंगे या क्या लाभ पहुंचाएंगे? कोई भी किसी प्रकार के फल के बिना अनिश्चित काल तक काम नहीं करेगा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति न ये आशा करेगा और न ही विनती करेगा कि कोई बिना किसी पर्याप्त फल के काम करे हालांकि ये हमेशा पैसे के रूप में नहीं हो सकता है तीसरा अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के साथ एक सप्ताह में कम से कम दो बार मिलने की व्यवस्था करें यदि संभव हो तो अधिक बार जब तक कि आप संयुक्त रूप से पैसे के संचय के लिए आवश्यक योजना को सिद्ध नहीं कर सकते चौथा अपने आप अपने मास्टरमाइंड समूह के प्रत्येक सदस्य के बीच पूरा मेलजोल रखें यदि आप बाद में इस निर्देश को करने में विफल रहते हैं तो आपको असफलता मिल सकती है जहा सही मेलजोल नहीं होता मास्टरमाइंड सिद्धांत हासिल नहीं कर सकते और इन दो बातों को हमेशा याद रखें पहली है आप एक बड़े महत्व के कारोबार में लगे हुए हैं सफलता सुनिश्चित होने के लिए आपके पास एक बिना गलती की योजना होनी चाहिए दूसरा आपको अनुभव शिक्षा स्थानीय क्षमता और दूसरे के मन की कल्पना का लाभ अवश्य पाना होगा जिन लोगों ने बड़ी संपत्ति प्राप्त की है उन सभी ने इस सिद्धांत के मेल जोल रखा है अन्य लोगों के सहयोग के बिना किसी भी व्यक्ति के पास एक बड़ी संपत्ति का संचय करने के लिए पर्याप्त अनुभव शिक्षा स्थानीय क्षमता और ज्ञान नहीं होता कोई भी योजना जो आप धन जमा करने के प्रयास में अपनाते हैं आप और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य का संयुक्त निर्माण होना चाहिए आप अपनी खुद की योजना पूरी या एक हिस्से में आरंभ कर सकते हैं लेकिन उन योजनाओं का मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से जांच होनी चाहिए यदि पहली योजना जो आपने बनाई थी सफलता पूर्वक काम नहीं करती है तो इसे नई योजना से बदल देना चाहिए यदि यह नई योजना काम करने में असफल होती है तो इसे भी दूसरी योजना में बदल देना चाहिए और इसी तरह करते रहना चाहिए जब तक कि ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करती हो ठीक ये बिंदु है जहाँ अधिकतर लोग उनकी असफल योजनाओं की जगह नई योजना के निर्माण में दृढ़ता की कमी के कारण असफल हो जाते हैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के किसी भी काम में बिना किसी व्यवहारिक और साध योजना के सफल नहीं हो सकता है ये तथ्य हमेशा ध्यान में रखें और याद रखें, जब आपकी कोई योजना असफल होती है तो वह अस्थायी हार है स्थायी विफलता नहीं है इसका मतलब केवल हो सकता है कि आपकी योजना सही नहीं थी अन्य योजनाओं का निर्माण कीजिए सब कुछ फिर से आरंभ कीजिए बिजली का बल्ब बनाने से पहले थॉमस एडिसन दस हजार बार फेल हुए थे उनके प्रयासों को सफलता का ताज पहनाए जाने से पहले यही वह अस्थायी हार है जो दस हजार बार मिली थी अस्थायी हार केवल एक ही मतलब होता है कुछ ज्ञान होना की आपकी योजना में कुछ गड़बड़ है लाखों लोग दुख और गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी योजना की कमी होती है जो संपत्ति जमा करने के लिए चाहिए एनरी फोर्ड ने संपत्ति जमा की इसलिए नहीं कि उनके पास बेहतर दिमाग था बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक बेहतर योजना को अपनाया उसका अनुसरण किया हजारों लोगों को देखा जा सकता है जिन्होंने फोर्ड से बेहतर शिक्षा प्राप्त की लेकिन वे गरीबी में जीवन बिता रहे हैं हालांकि उन्होंने धन बनाने के लिए सही योजना नहीं अपनाई आपकी योजनाएं जितनी सही होती हैं आपकी उपलब्धि उससे बड़ी नहीं हो सकती ये एक स्वयं सिद्ध बयान प्रतीत हो सकता है लेकिन ये सच है सैमुअल इंसफल ने अपनी 10 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति गवा दी इंसफल की संपत्ति उन योजनाओं से बनी थी जो सही थी व्यापार की मंदी ने श्री इंसपल को अपनी योजनाएं बदलने के लिए मजबूर किया और बदलाव अस्थायी हार लाया क्योंकि उनकी नई योजनाएं सही नहीं थी श्री इंसपल अब वृद्ध व्यक्ति हैं जो इसके परिणामस्वरूप अस्थायी हार के बजाय नाकामी स्वीकार कर सकते हैं लेकिन यदि उनका अनुभव विफल रहा होता तो इसका कारण उनमें अपनी योजना के पुनर्निर्माण के लिए हड का अभाव होगा कोई भी आदमी जब तक कि अपने मन से हार न मान ले उसे कभी कोसा नहीं जाता यह तथ्य कई बार दोहराया जाएगा क्योंकि इसे हार की पहली निशानी मान लेना बहुत आसान है जेम्स जे हिल को भी अस्थायी हार का सामना करना पड़ा था जब वे पूर्व से पश्चिम तक रेल का निर्माण करने के लिए पहली आवश्यक पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उन्होंने भी नई योजनाओं के माध्यम से हार को जीत में बदल दिया हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी हार का सामना करना पड़ा था न सिर्फ अपने ऑटोमोबाइल कैरियर की शुरुआत में बल्कि ऊपर की ओर काफी दूर तक जाने के बाद भी उन्होंने नई योजना बनाई और वित्तीय जीत के पद पर अग्रसर होते गए हम उन पुरुषों को देखते हैं जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की है लेकिन हम उनकी अस्थायी हार की अनदेखी करते हुए अक्सर उनकी जीत को ही पहचानते हैं जो उनके वहां पहुँचने से पहले उन्होंने पाई थी इसे इस संकेत की तरह लें कि आपकी योजना सही नहीं थी योजनाओं को फिर से बनाए और एक बार फिर अपने जहाज तैयार करें और प्रतिष्ठित लक्ष्य की ओर रवाना हो यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप एक कामचोर हैं। एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता इस वाक्य को उठाओ कागज के टुकड़ों पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखो और वहाँ लगाओ जहाँ आप हर सुबह काम करने के लिए जाने से पहले और रात को सोने से पहले इसे देख सके जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के लिए सदस्यों का चयन करने की शुरुआत करते हैं उन लोगों का चयन करने का प्रयास करें जो हार को गंभीरता से नहीं लेते हैं उस लोगों का मूर्खता पूर्वक मानना है कि केवल पैसा ही पैसे को बना सकता है लेकिन ये सच नहीं है ये वह एजेंसी है जिसके माध्यम से पैसा बनता है पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं है बल्कि ये निष्क्रिय वस्तु है ये चल नहीं सकता सोच नहीं सकता या बात नहीं कर सकता लेकिन ये सुन सकता है जब एक आदमी इसकी इच्छा करता है इसे बुलाने के लिए आवाज देता है अवसर ने आपके सामने अपना माल फैला दिया है सामने की तरफ कदम बढ़ाएं आप क्या चाहते हैं उसका चयन कीजिए अपनी योजना बनाओ योजनाओं को कार्रवाई में डाल दो और दृढ़ता के साथ पूरा करो प्रणाली किसी को भी इस अधिकार से इनकार नहीं करती है लेकिन ये कुछ ना से कुछ अच्छा नहीं है और इसका वादा नहीं कर सकती क्योंकि प्रणाली स्वयं अपरिवर्तनीय रूप से अर्थशास्त्र के कानून द्वारा नियंत्रित की जाती है जो दिए बिना प्राप्त होगा को ना तो पहचानती है ना ही लंबे समय तक बर्दाश्त करती है व्यक्ति मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटे कम करने के लिए खुद को समूह में बदल सकते हैं और कभी कभी करते भी हैं वहाँ एक बिंदु है जिसके आगे वे नहीं जा सकते यह वह बिंदु है जिस पर अर्थशास्त्र का कानून हस्तक्षेप करता है और नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों को शासित करता है छह साल तक उन्नीस से उन्नीस तक अमेरिका के लोगों अमीर और गरीब दोनों ने मुश्किल से ओल्डमैन अर्थशास्त्र को सभी व्यवसायों और उद्योगों और बैंकों को हाकिम को सौंपते हुए देखा यह एक सुंदर दृश्य नहीं था इसने भीड़ के मनोविज्ञान के लिए हमारे साधन में वृद्धि नहीं की थी जिसके माध्यम से लोगों ने हवाओं को कारण बनाया और दिए बिना पाने की कोशिश करना शुरू कर दिया हम जो उन छह वर्षों से गुजरे हैं जब भाई काटी में समाया हुआ था और विश्वास धराशाई था नहीं भूल सकते कि अर्थशास्त्र का कानून कितनी बेरहमी से अमीर और गरीब कमजोर और मजबूत बूढ़े और जवान सभी से अपना कर लेता है हम इस तरह के एक और अनुभव से गुजरने की इच्छा नहीं करेंगे ये टिप्पणियाँ थोड़े समय के अनुभव पर आधारित नहीं है वे अमेरिका में ज्ञात सबसे सफल और सबसे असफल दोनों लोगों के तरीकों के सावधानी पूर्वक किए गए विश्लेषण के 25 साल का परिणाम है इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है धन्यवाद निर्णय विफलता के अनुभव के साथ 25,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं के सटीक जांच ने इस तथ्य का खुलासा किया है कि निर्णय की कमी विफलता के तीस मुख्य कारणों की सूची में सबसे ऊपर थी ये केवल बयान नहीं है ये एक तथ्य है देरी निर्णय के विपरीत जो एक आम दुश्मन है जिसे व्यवहारिक रूप से हर आदमी को जीत लेना चाहिए जब आप इस वीडियो को सुनकर समाप्त करेंगे इसमें सुने हुए सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार होंगे आपके पास तुरंत और निश्चित निर्णयों पर पहुंचने की क्षमता की जांच करने का अवसर होगा उन कई सौ लोगों जिन्होंने दस लाख डॉलर के निशान से पर एक अच्छी मात्रा में धन इकट्ठा किया है उन्होंने जल्दी निर्णय लेने की आदत को कैसे अपनाया है? हेनरी फोर्ड के सबसे महान गुणों में से एक है जल्दी निर्णय लेना और निश्चित रूप से और निश्चित रूप से पहुँचना और धीरे धीरे उन्हें बदलने की उनकी आदत मिस्टर फोर्ड में ये गुण इतना स्पष्ट है यही वे गुण था जिसने मिस्टर फोर्ड को प्रसिद्ध मॉडल टी दुनिया में सबसे बदसूरत कार का निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरणा दी थी जबकि उनके सभी सलाहकार और कार के कई खरीदार इसे बदलने के लिए उनसे आग्रह कर रहे थे शायद मिस्टर फोर्ड ने परिवर्तन करने में लंबे समय की देरी कर दी लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष ये है श्रीमान फोर्ड की निर्णय के हट की वजह से बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ मॉडल में बदलाव के जरूरी बनने से पहले इसमें कोई शक नहीं है कि निश्चित निर्णय की आदत को अड़ियन रवैया ही मान लिया गया है लेकिन ऐसा नहीं है की ये गुण निर्णय पर पहुंचने में सुस्ती और उन्हें बदलने में जल्दी से अच्छा है यदि आप दूसरों के विचारों से प्रभावित होते हैं आप कोई अपनी इच्छा नहीं है अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को छोड़कर किसी पर भी भरोसा न करें और इस समूह के अपने चयन में बहुत अचूक रहे ताकि आप केवल अपने उद्देश्य के साथ पूरी सहानुभूति मेलजोल रखने वाले लोगों को ही चुने करीबी दोस्त और रिश्तेदार अक्सर जाने अनजाने मजाक मजाक में अपनी राय देकर या हंसी उड़ाकर कर बाधा बनते हैं हजारों पुरुष और महिलाएं पूरा जीवन अपने साथ एक हीन भावना लेकर जीते हैं लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ने अपनी राय देकर हंसी उड़ाकर उनका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं आपका अपना खुद का एक दिमाग है और मन है इसे प्रयोग करें और अपने स्वयं के निर्णयों पर पहुँचे यदि आपको निर्णयों तक पहुँचने में अन्य लोगों के विचार या जानकारी की जरूरत है जो शायद कई मामलों में आपको होगी आप उद्देश्य का खुलासा किए बिना चुपचाप जो जानकारी चाहिए वह उनसे ले लें। ऊपरी ज्ञान रखने वाले लोगों का यह स्वभाव होता है वह ऐसा प्रभाव जमाना चाहते हैं, जैसे उनके पास बहुत ज्ञान है ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज्यादा बात करते हैं बहुत कम सुनते हैं यदि आप शीघ्र निर्णय लेने की आदत हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंखें और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें जो लोग बहुत बात करते हैं वे दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं यदि आप सुनने की तुलना में अधिक बात करते हैं तो आप न केवल उपयोगी ज्ञान जमा करने के कई अवसरों से चूक जाते हैं बल्कि उन लोगों को अपनी योजनाओं और उद्देश्यों का खुलासा भी कर देते हैं जो आपको परास्त करने में बड़ी खुशी महसूस करेंगे हालांकि वे आपसे इस करते हैं याद रखें कि जब भी आप अपना मुंह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलते हैं जिसके पास ज्ञान का भंडार है तो आप उसको अपने ज्ञान का सटीक स्टॉक प्रदर्शित कर देते हैं या इसकी कमी को प्रदर्शित करते हैं वास्तविक ज्ञान विनम्रता और चुप्पी के माध्यम से दिखाई पड़ता है ये तथ्य दिमाग में रखें कि हर व्यक्ति जिससे आप जुड़ते हैं, उसे भी आपकी तरह पैसा जमा करने के अवसर की तलाश है यदि आप भी स्वतंत्र रूप से अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं। तो अन्य किसी व्यक्ति ने आपसे पहले आपके लक्ष्य को कार्य रूप देकर आपको उस योजना में पछाड़ दिया है जिसके बारे में आपने मूर्खता तरीके से बात की थी अपने पहले निर्णयों में से एक पर बंद मुंह और आंखें कान खुले रखें। इस सलाह का पालन करने के लिए एक चेतावनी के रूप में ये उपयोगी होगा दुनिया को बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है लेकिन पहले करके दिखाओ इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद धनवान होने की तरफ आठवा कदम इच्छा शक्ति और इच्छा जब ठीक से मिलते हैं एक प्रबल जोड़ी बनाते हैं जो लोग बड़ी संपत्ति जमा करते हैं आमतौर पर धीरवान और कभी कभी निष्ठुर रूप में जाने जाते हैं अक्सर उन्हें गलत समझा जाता है उनके पास जो होता है वह इच्छा सकती है, जिसे वे दृढ़ता के साथ मिलाते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं हेनरी फोर्ड को आमतौर पर निष्ठुर और निर्मम होने के रूप में गलत समझा गया ये गलत धारणा फोर्ड की अपनी सभी योजनाओं में दृढ़ता के अनुपालन की आदत से उत्पन्न हुई है अधिकांश लोग अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पानी में फेंकने के लिए तैयार होते हैं और विरोध या विपत्ति के पहले आत्मसमर्पण कर देते हैं कुछ सभी विरोध के बावजूद अपने लक्ष्य को पाने तक जारी रखते हैं। ये कुछ फोर्ड कार्नेगी रॉकफेलर और एडिसन है लेखक इस बिंदु पर आपकी जांच कर रहा है क्योंकि दृढ़ता की कमी विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है इसके अलावा हजारों लोगों के साथ अनुभव से साबित हुआ है है। है कि दृढ़ता की की कमी अधिकांश मनुष्यों एक एक आम कमजोरी है। ये ऐसी कमजोरी ऐसी जिसे प्रयास द्वारा दूर किया जा सकता है दृढ़ता की कमी पर इतनी आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है ये पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करेगा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है इसे लगातार दिमाग में रखें कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आग की एक छोटी राशि गर्मी की एक छोटी राशि पैदा करती है, यदि आप खुद में दृढ़ता की कवि पाते हैं तो आपकी इच्छाओं के तहत एक मजबूत आग के निर्माण से एक कमजोरी का उपचार किया जा सकता है संपत्ति उन मनुष्यों की तरफ जिसका मन उन्हें आकर्षित करने के लिए तैयार होता है उसी प्रकार आकर्षित होती है जिस प्रकार पानी निश्चित रूप से सागर की ओर आकर्षित होता है इस प्रकार इस पुस्तक में किसी भी समान मस्तिष्क में उन कंपनों को जो एक व्यक्ति की इच्छित वस्तु को आकर्षित करेगा की आदत डालने के लिए आवश्यक सभी प्रेरणाएं पाई जा सकती हैं। यदि आप पाते हैं कि आप दृढ़ता में कमजोर हैं तो आप ध्यान शक्ति पर निर्देशों का पालन करें अपने आप को एक मास्टरमाइंड समूह से घेर दीजिए इस समूह के सदस्यों के सहकारी प्रयासों के माध्यम से आप दृढ़ता विकसित कर सकते हैं स्वतः सुझाव और अवचेतन दिमाग पर के के विकास के लिए आपको अतिरिक्त निर्देश मिलेंगे इन अध्यायों में उल्लेखित अनिर्देशों का तब तक पालन करें जब तक कि आपकी आदत की प्रकृति आपके अवचेतन मन को अपनी इच्छा के विषय की स्पष्ट तस्वीर न सौंप दे उस बिंदु से आप दृढ़ता की कमी से विकलांग नहीं होंगे गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका दिमाग इसके अनुकूल होता है उसी तरह और उसी एक कानून के माध्यम से धन उसी तरफ आकर्षित होता है जिसका दिमाग उसके अनुकूल होता है या तैयार किया होता है गरीबी की चेतना स्वतः ही उस मस्तिष्क पर कब्जा जमा लेती है जो धन की चेतना के कब्जे में नहीं है एक गरीबी की चेतना इसके अनुकूल आदतों के सचेत उपयोग के बिना ही विकसित होती है धन की चेतना आदेश द्वारा निर्मित की जानी चाहिए जब तक कि एक व्यक्ति इस तरह की चेतना के साथ पैदा नहीं होता है आप महसूस करते हैं कि आपको अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण फिर से हासिल करना शुरू करना चाहिए इच्छा शक्ति के लगातार प्रयास से आप अंत में एक हाथ की उंगलियों को हिला लेते हैं अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखने के द्वारा आप एक हाथ की मांसपेशियों तक अपने नियंत्रण का विस्तार आप इसे उठा सकने तक करते हैं फिर आप इसे इसी तरीके से दूसरे हाथ पर नियंत्रण पाते हैं आप अंत में एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेते हैं और फिर दूसरे पैर तक इसका विस्तार करते हैं दृढ़ता के साथ सफलता आएगी यदि आप सावधानी के साथ अपने मास्टरमाइंड समूह का चयन करते हैं तो आपके पास इसमें कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दृढ़ता के विकास में आपकी सहायता करेगा कुछ लोग जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की है आवश्यकता के कारण की थी उन्होंने दृढ़ता की आदत विकसित की है क्योंकि वे बड़ी बारीकी से उन परिस्थितियों द्वारा संचालित थे लगन कैसे विकसित करें पहला एक निश्चित उद्देश्य अपनाए तो अपनी पूर्ति के लिए तीव्र इच्छा के द्वारा समर्पित हो दूसरा एक निश्चित योजना जिस पर निरंतर कार्रवाई चलती रहे तीसरा एक दिमाग जो सभी रिश्तेदारों दोस्तों परिचितों और उनके निगेटिव विचारों को नजरअंदाज करें चौथा एक या अधिक व्यक्तियों के साथ दोस्ताना गठबंधन जो योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें ये वे चार कदम हैं जो अनुकूल अवसरों का वादा करते हैं इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद चैप्टर नवा मास्टर की शक्ति धनवान होने की तरफ नवा कदम पैसा कमाने में सफलता के लिए शक्ति आवश्यक है बिना कार्य के किए गए सारी योजनाएं बेकार होती हैं ये अध्याय उस विधि का वर्णन करेगा जिसके द्वारा एक व्यक्ति शक्ति को प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकता है पैसा कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है पैसा जमा कर लेने के बाद इसको बनाए रखने में भी शक्ति आवश्यक है मास्टर माइंड इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का काम कोई भी व्यक्ति खुद को मास्टरमाइंड का लाभ उपलब्ध कराए बिना मान शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता हेनरी फोर्ड ने गरीबी अशिक्षा अज्ञान की बाधा के तहत अपना व्यापार कैरियर शुरू किया ये भी उसी के समान ज्ञात तथ्य है कि 10 साल की इस आश्चर्यजनक छोटी अवधि के भीतर श्रीमान फोर्ड ने इन तीनों बाधाओं पर महारत हासिल कर ली है और 25 सालों के भीतर खुद को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया इस तथ्य के साथ ये अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दें कि श्रीमान फोर्ड की सबसे तेज प्रकृति ध्यान देने योग्य तब बनी जब वे थॉमस एडिसन के निजी दोस्त बन गए और आप यह समझना शुरू कर देंगे कि एक दिमाग का दूसरे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है एक कदम और आगे जाएं और इस तत्व पर विचार करें श्रीमान फोर्ड की सबसे महान उपलब्धियां उस समय शुरू हुई थी जब उन्होंने हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोच और लूथर बर्बैंक से परिचय बनाया और आपके पास उस शक्ति के और सबूत होंगे जो दिमागों के अनुकूल गठबंधन के माध्यम से उत्पादित की जा सकती है इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हेनरी फोर्ड व्यापार और औद्योगिक दुनिया के सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले लोगों में से एक हैं उनकी संपत्ति के सवाल पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है श्रीमान फोर्ड की अतरंग मित्रों का विश्लेषण करें जिनमें से कुछ पहले से ही उल्लेख किया गया है इंसान उन लोगों के स्वभाव आदतों और विचारों की शक्ति धारण करता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सद्भाव की भावना के साथ जुड़ पाता है हेनरी फोर्ड ने उन महान दिमागों के साथ अपना गठबंधन करके गरीबी अशिक्षा और अज्ञानता को पछाड़ दिया जिनकी विचारों की तरंगे उन्होंने अपने मन में सोख ली थी एडिसन न्यूयॉर्क वरुच और फायरस्टोन के साथ अपने सहयोग के माध्यम से श्रीमान फोर्ड ने अपने स्वयं के दिमाग की शक्ति में इन चार लोगों की बुद्धि अनुभव ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों का सार जोड़ दिया है पैसा पुराने समय की एक युवती की तरह शर्मिला और मायावी है इसे उन्हीं तरीकों से आकर्षित किया जाता है जो एक दृढ़ प्रेमी अपनी पसंद की लड़की के प्रेम में इस्तेमाल करता है यह सहयोग है कि पैसे को आकर्षित करने में प्रयोग किए जाने वाली शक्ति एक युवती को लुभाने में प्रयोग में की जाने वाली शक्ति से बहुत अलग नहीं है इस शक्ति का पैसे की खोज में सफलतापूर्वक प्रयोग आस्था के साथ मिलाया जाना चाहिए इसे इच्छा के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए इसे दृढ़ता के साथ मिलाया जाना चाहिए इसे एक योजना के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए और ये योजना कार्रवाई में स्थापित की जानी चाहिए दौलत कहीं जाने वाली मात्रा में आता है तो पाने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही आसानी से बहकर आता है जैसे पानी पहाड़ों से बहता है एक महान अनदेखी शक्ति की धारा मौजूद है जिससे एक नदी की तुलना की जा सकती है सिवाय इसके इसका एक हिस्सा एक दिशा में उन लोगों को लेकर आगे और ऊपर दौलत की ओर बहता है जो इसमें आते हैं और दूसरा हिस्सा विपरीत दिशा में इसमें आए दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को लेकर नीचे दुख और गरीबी की ओर बहता है हर वह वे व्यक्ति जो इस महान भाग्य लक्ष्मी को पा चुका है वह इस धारा के अस्तित्व को मान चुका है इसमें इंसान की सोच की प्रक्रिया शामिल है विचारों के सकारात्मक भावनाएं धारा का वह हिस्सा बनाती हैं जो दौलत की ओर ले जाता है विचारों की नकारात्मक भावनाएं वह हिस्सा बनाती हैं जो नीचे गरीबी की ओर ले जाती हैं इसमें उस व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं जो दौलत पाने के लिए इस पुस्तक को पढ़ रहा है या सुन रहा है यदि आप शक्ति के धारा के उस हिस्से में हैं जो गरीबी की ओर जाता है तो एक पतवार का, का काम कर सकता है जिसके द्वारा आप खुद को धारा की दूसरी ओर ठेल सकते हैं ये केवल अमल और प्रयोग से ही आपकी सहायता कर सकता है केवल पढ़ने और कैसे ना कैसे उस पर निर्णय पारित करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा कुछ लोग कभी कभी सकारात्मक और कभी कभी नकारात्मक पक्ष पर रहते हैं बारी बारी से धारा के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष के बीच अनुभव से गुजरते हैं उनतीस का वॉल स्ट्रीट क्रैश लाखों लोगों को धारा के सकारात्मक पक्ष से नकारात्मक पक्ष पर बाहर ले गया था ये लाखों लोग वापस धारा के सकारात्मक पक्ष को पाने के लिए उनमें से कुछ हताश और डर में संघर्ष कर रहे हैं इस किताब को विशेष रूप से उन लोगों के लिए लिखा गया था गरीबी और धन अक्सर स्थान बदल देते हैं क्रैज ने दुनिया को ये सच सिखाया हालांकि दुनिया लंबे समय तक इस सबक को याद रखेगी गरीबी आम तौर पर स्वेच्छा से अमीरी की जगह ले सकती है जब अमीरी गरीबी की जगह ले तो ये परिवर्तन आम तौर पर अच्छी कल्पना और सावधानी से योजनाओं के द्वारा किया जाता है गरीबी के लिए किसी योजना की जरूरत नहीं है इसे किसी सहायता की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बोल्ड और क्रूर है अमीरी शर्मीरी और डरपोक है उसे आकर्षित करने की जरूरत होती है कोई भी धन की इच्छा कर सकता है और ज़्यादातर लोग करते हैं लेकिन केवल कुछ ही जानते हैं कि दौलत कमाने के लिए केवल एक निश्चित योजना के साथ एक तीव्र इच्छा ही भरोसेमंद साधन है इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद सेक्स धनवान होने की तरफ दसवां कदम सेक्स की इच्छा सबसे शक्तिशाली मानवीय इच्छाओं में से एक है जब इंसान इस इच्छा से प्रेरित होता है तो मनुष्य अन्य समयों में उन्हें अज्ञात कल्पना साहस संकल्प और दृढ़ता रचनात्मक क्षमता की उत्सुकता का विकास करता है यौन संपर्क की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि मनुष्य मुक्त भाव से इसे तृप्त करने के लिए जीवन और प्रतिष्ठा का जोखिम उठाते हैं ये प्रेरक शक्ति कल्पना साहस आदि की उत्सुकता की इसकी सभी विशेषताएं बनाए रखती है जिसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्तियों के रूप में साहित्य में कला में या जाहिर करती है धन का संचय सहित किसी अन्य पेशे या क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है एक नदी पर बांध बनाया जा सकता है पर इसके पानी को एक समय तक के लिए ही बांधा जा सकता है लेकिन अंत में ये निकास के लिए मजबूर करेगा यही सेक्स की भावना का भी सच है इसे एक समय तक के लिए जलमग्न किया और बांधा जा सकता है लेकिन इसका स्वभाव हमेशा अव्यक्त के साधनों की मांग का कारण बनता है यदि कुछ रचनात्मक प्रयासों में सेक्स की भावना में रचनात्मक क्षमता का रहस्य होता है चाहे आदमी हो या जानवर में सेक्स ग्रंथियों को नष्ट कर दीजिए आप कार्रवाई के प्रमुख स्रोत को हटा देते हैं इस बात के सबूत के लिए निरीक्षण कीजिए किसी भी जानवर को बधिया कर दिए जाने के बाद क्या होता है एक बैल यौन परिवर्तन किए जाने के बाद एक गाय की तरह विनम्र हो जाता है सेक्स परिवर्तन चाहे आदमी हो या जानवर उसमें मौजूद सभी संघर्ष बाहर निकाल देता है महिला के सेक्स परिवर्तन का भी यही प्रभाव होता है दिमाग की दस उत्तेजनाएं: पहला है सेक्स की इच्छा दूसरा है प्रेम की इच्छा तीसरा है प्रसिद्धि शक्ति या वित्तीय लाभ धन की एक ज्वलंत इच्छा चौथा है संगीत की इच्छा पाँचवा है समान लिंग के लोगों या विपरीत लिंगों के बीच की दोस्ती छठा है दो या दो से अधिक लोगों जो आध्यात्मिक या लौकिक उन्नति के लिए खुद को संबंध करते हैं सातवा है पारस्परिक पीड़ा जैसे कि सताए गए लोगों द्वारा अनुभूत है आठवा है आत्म सुझाव नवा है भय दसवा है नशीले पदार्थ और शराब मनुष्य क्यों चालीस से पहले शायद ही कभी सफल होते हैं। मैंने पच्चीस हजार अधिक लोगों के विश्लेषण से खोजा है कि मनुष्य जो एक महान तरीके से सफल होते हैं, शायद ही कभी ऐसा 40 वर्ष की उम्र से पहले करते हों, और अधिक बार वे 50 वर्ष की आयु से परे होने तक अपनी असली गति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये तथ्य इतना अद्भुत था कि इसे मुझे बहुत अधिक ध्यान देने से, इसके कारण अध्ययन में जाने के लिए बारह ऐसी अधिक वर्षो की अवधि तक जाँच करने को प्रेरित किया इस अध्ययन में तथ्य खुला की अधिकांश मनुष्य जो सफल होते हैं ऐसा करना 40-50 साल की उम्र से पहले शुरू क्यों नहीं करते हैं। इसका प्रमुख कारण उनकी सेक्स की भावना शारीरिक अधिक भोग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की प्रवृत्ति है अधिकांश लोगों ने कभी नहीं सीखा कि सेक्स के आग्रह में अन्य संभावनाएं हैं, जो मात्र शारीरिक अव्यक्ति से अलग एक महत्व में होती हैं। उन लोगों में से अधिकांश जिन्होंने खोज की है कई साल बर्बाद होने के बाद ऐसा किया है एक अवधि जब 45-50 साल की उम्र से पहले सेक्स ऊर्जा अपनी ऊंचाई पर होती है ये आमतौर पर उल्लेखनीय उपलब्धियों के बाद होता है कई लोगों का जीवन जब तक और कभी कभी अच्छी तरह से 40 की उम्र पार कर जाता है जो बेहतर तरीके में अधिक लाभ प्रदान हो सकता है उनकी बारीक और अधिक शक्तिशाली भावनाएं चारों ओर दिशाओं में बेताशा बिखेर दी जाती हैं। यौन की इच्छा सभी मानवीय भावनाओं की सबसे मजबूत और प्रभावी इच्छा है इसी कारण से ये इच्छा जब काम में लाई जाती है और कार्रवाई में बदली जाती है तो शारीरिक अभिव्यक्ति के अलावा जीनियस बनाने की स्थिति तक ले जा सकती है अमेरिका के सबसे महान व्यक्तियों में से एक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है इसके द्वारा तैयार की गई अधिकतर योजनाओं के लिए उसकी आकर्षक सचिव जिम्मेदार थी उसने स्वीकार किया कि उसकी उपस्थिति ने उसे रचनात्मक कल्पना की ऐसी ऊंचाइयों तक उठा दिया जैसा वह किसी अन्य के प्रोत्साहन के तहत अनुभव नहीं कर सका था अमेरिका में सबसे सफल लोगों में से एक, अपनी सफलता का अधिकांश श्रेय एक बहुत ही आकर्षक युवा महिला के प्रभाव को देते हैं जिसने 12 से अधिक वर्षों तक उनकी प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है जिन लोगों में यौन इच्छा की कमी है वे लोग कभी उत्साही नहीं बनेंगे और न ही उत्साह के साथ दूसरों को प्रेरित करेंगे उत्साह में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु है कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बेच रहा है यदि आप सबूत चाहते हैं कि ज्यादातर पुरुष 40 वर्ष की उम्र से पहले अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना शुरू नहीं करते तो अमेरिका के ज्ञात सबसे सफल पुरुषों के अभिलेखों का अध्ययन करें और आप इसे पा लेंगे कार्नेगी चालीस को पार कर चुके थे जब उन्होंने अपने प्रयासों का इनाम लेना शुरू किया सेक्स अकेले कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है लेकिन इसकी शक्तियाँ एक चक्रवात की तरह होती हैं, जो अक्सर बेकाबू होती हैं। जब प्यार की भावना सेक्स की भावना के साथ खुद को मिलाना शुरू करती है तो परिणाम उद्देश्य की शांति ठहराव न्याय की सटीकता और संतुलन होता है चालीस की उम्र प्राप्त कर चुका कौन सा व्यक्ति इतना दुर्भाग्यपूर्ण होगा जो इन बयानों का विश्लेषण करने में असमर्थ हो और अपने खुद के अनुभव से उसकी पुष्टि न कर सके ये इंसान को अनंत ज्ञान के संपर्क में लाता है जब इसे रोमांस और सेक्स की भावनाओं के साथ मिलाया जाता है तो ये रचनात्मक प्रयास की सीढ़ी पर बहुत ऊपर ले जा सकता है प्यार सेक्स और रोमांच की भावनाएं पैदा करता है अधिकांश पुरुष ये स्वीकार नहीं करेंगे कि वे अपनी पसंद की महिला से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि ये पुरुष की प्रवृत्ति में है वह इंसानी प्रजाति में सबसे मजबूत रूप में समझा जाना चाहता है इसके अलावा बुद्धिमान महिला इस मर्दाना विशेषता को पहचानती है और बहुत बुद्धिमानी से इसे कोई मुद्दा नहीं बनाती कुछ पुरुष जानते हैं कि वह अपनी पसंद की महिलाओं अपनी पत्नियों प्रेमिकाओं लेकिन वे चतुराई से इस प्रभाव के खिलाफ विद्रोह करने से बचते हैं, क्योंकि वे इस बात को जानने के लिए पर्याप्त तो बुद्धिमान होते हैं। कोई भी आदमी सही औरत के संशोधित प्रभाव के बिना या पूर्ण नहीं हो सकती जो पुरुष इस महत्वपूर्ण सत्य को नहीं पहचानता है वह खुद को उस शक्ति से वंचित कर लेता है जिसने पुरुषों को सफलता हासिल करने में इतनी मदद की है जितनी अन्य सभी संयुक्त शक्तियों ने मिलकर भी नहीं की है इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद चैप्टर 11 अवचेतन मन धनवान होने की तरफ 11वां कदम अवचेतन मन चेतना के ऐसे क्षेत्र से बना होता है जिसमें हर आवेग जो पांच इंद्रियों में से किसी एक के माध्यम से उद्देश्य मन तक पहुंचता है ये इंद्रियों की छापों या विचारों को उनकी प्रकृति पर ध्यान दिए बिना प्राप्त और दर्ज करता है आप अपनी इच्छा से अपने अवचेतन मन में किसी भी ऐसी योजना विचार या उद्देश्य को बना सकते हैं जिसकी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं अवचेतन मन उन हावी इच्छाओं पर पहले कार्य करता है जिन्हें किसी संवेदनशील भावना के साथ मिलाया गया हो जैसे आस्था चेतन दिमाग दिन और रात कार्य करता है इंसान के लिए अनजानी प्रक्रिया की एक विधि के माध्यम से मन शक्ति के लिए अनंत ज्ञान के बलों को खींचता है जिसकी सहायता से ये स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की इच्छा को हमेशा उस सबसे अधिक व्यवहारिक मीडिया का प्रयोग करके इसके भौतिक रूप में बदलता है जिसके द्वारा यह उद्देश्य पूर्ण हो सकता है आप पूरी तरह से अपने अवचेतन मन को नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन आप अपनी इच्छा से इसे किसी भी योजना इच्छा या उद्देश्य को सौंप सकते हैं आप इसे ठोस रूप में बदलना चाहते हैं अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए आत्म सुझाव पर अध्याय में दिए गए निर्देशों को पढ़ें या सुने आप निर्देशों का पालन करने में दृढ़ता की आवश्यकता को भी समझ सकेंगे तेरा सिद्धांत वे प्रेरणाएं इनसे आप अपने अवचेतन मन तक पहुँचने और उनसे प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं यदि आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निराश ना हो याद रखें कि अवचेतन मन को अपनी इच्छा से आस्था पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के तहत केवल आदत के माध्यम से निर्देशित किया जा सकता है आपको अभी तक विश्वास में महारत हासिल करने के लिए समय नहीं मिला है धैर्य रखें लगन रखें सात प्रमुख सकारात्मक भावनाएं होती हैं पहली होती है इच्छा दूसरी है आस्था तीसरा है प्यार चौथा है सेक्स पांचवा है उत्साह छठा है रोमांस है आशा और साथ ही और सात प्रमुख नकारात्मक भावनाएं भी होती हैं पहली है डर दूसरी है ईर्ष्या तीसरी है घृणा चौथा है बदला लालच, है लालच छठा है अंधविश्वास है क्रोध सकारात्मक और नकारात्मक भावना एक ही समय में दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकती हैं। ये एक दूसरे पर हावी जरूर होंगी ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि सकारात्मक पर लागू करने और उपयोग करने की आदत बनाए आखिरकार वह पूरी तरह से आपके मस्तिष्क पर हावी होंगी नकारात्मकता इसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा केवल इन निर्देशों का पालन सचमुच लगातार करके आप अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं आपके चेतन मन में एक भी नकारात्मक भाव की उपस्थिति आपके अवचेतन मन से रचनात्मक सहायता के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है कभी कभी प्रार्थना का परिणाम उस एहसास में होता है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी यदि आपको कभी भी ऐसी चीज की प्राप्ति का अनुभव हुआ है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी तो अपनी याद में वापस जाइए तो अपने मन की उस वास्तविक स्थिति को याद कीजिए जब आप प्रार्थना कर रहे थे आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि यह सिद्धांत से भी बढ़कर है आपकी प्रार्थना के अनंत ज्ञान तक पहुँचने से पहले यह शायद अपने मूल विचार कंपन से अध्यात्मिक कंपन के संदर्भ में बदल जाता है विश्वास ही केवल वह ज्ञात माध्यम है जो आपके विचारों को एक आध्यात्मिक प्रकृति देगा आस्था और भय अस्थायी साथी हैं। जहाँ एक मिल गया वहाँ दूसरा मौजूद नहीं होगा इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद चैप्टर बारह मस्तिष्क धनवान होने की तरफ बारवा कदम इंसान अपनी भौतिक इंद्रियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है और अपने ज्ञान को भौतिक चीजों तक सीमित कर लिया है जिन्हें वह देख स्पर्श तौल और माप सकता है अब हम सबसे अद्भुत युग में प्रवेश कर रहे हैं एक युग जो हमें हमारे बारे में दुनिया की अमूर्त शक्तियों के बारे में कुछ सिखाएगा शायद हम इस युग के गुजरते हुए सीखेंगे कि अन्य स्वयं उस शारीरिक स्वयं की तुलना में अधिक शक्तिशाली है जिसे हम आईने में देखते हैं कभी कभी इंसान उन चीजों के बारे में हल्के तरह से बोलते हैं जिन्हें वे अपनी पांच इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते और जब हम उनके बारे में सुनते हैं इसे हमें याद दिलाना चाहिए कि हम सब अनदेखी और अमूर्त शक्तियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं पूरी मानव जाति में इतनी शक्ति नहीं है कि वे महासागरों की घूमती लहरों में डिप्टी अमूर्त शक्ति का मुकाबला करें या उससे नियंत्रित कर सके इंसान में उस गुरुत्वाकर्षण की अमूर्त शक्ति को समझने की क्षमता भी नहीं है जो इस छोटी सी पृथ्वी को बीच में लटकाए रखती है और इंसान को गिरने से बचाए रखती है और जो उसे नियंत्रित करने की शक्ति से जो बहुत कम है इंसान उस अमूर्त शक्ति के पूरी तरह से अधीन है जो गड़गड़ाहट वाले तूफान के साथ आती है और वह अमूर्त शक्ति की मौजूदगी में असहाय हो जाता है उसे यह तक नहीं पता कि बिजली कहाँ है कहाँ से आती है और इसका उद्देश्य क्या है और ना ही यह किसी तरह से अनदेखी और अमूर्त चीजों के संबंध में मनुष्य की अज्ञानता का अंत है वह पृथ्वी की मिट्टी में लिपटी अमूर्त शक्ति और बुद्धिमता को नहीं समझता है एक शक्ति जो उस भोजन का हर निवाला प्रदान करती है जो वह खाता है हर कपड़ा जो वह पहनता है हर डॉलर जिसे वह अपनी जेब में रखता है शिकागो विश्वविद्यालय के डॉक्टर सी जटसन ने कहा था आंकड़ा इतना अधिक विशाल है कि प्रकाश वर्ष की सैकड़ों मिलियन खगोली आंकड़े भी तुलना में महत्वहीन बन जाते हैं ये निर्धारित किया गया है कि मानव श्रेबल्स कॉटेक्स में दस खरब से लेकर चौदह खरब तक तंत्रिका कोशिकाएं और हम जानते हैं कि ये भिन्न भिन्न पैटर्न में व्यवस्थित हैं बीस से अधिक साल पहले लेखक ने स्वर्गीय डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ और डॉक्टर एल्मर आर. गेट्स के साथ काम करते हुए ये ध्यान दिया कि हर मानव दिमाग विचार के कंपन का एक प्रसारण और प्राप्ति केंद्र दोनों है आकाश के माध्यम से जिस प्रकार रेडियो प्रसारण का तरीका काम में लाया जाता है हर मानव दिमाग अन्य दिमागों से छोड़े गए विचार के कंपनों को पकड़ने में सक्षम है रचनात्मक कल्पना दिमाग का रिसीविंग सेट है जो दूसरों के दिमाग के द्वारा जारी विचारों को प्राप्त करता है यह किसी के चेतन या तार्किक मन के बीच संचार की एजेंसी है और उन चार स्रोतों का जिसमें कोई व्यक्ति विचार की प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है एक बेहद उच्च दर के कंपनी केवल ऐसे कंपन है जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक आकाश द्वारा चुने और ले जाए जाते हैं विचार कंपन की एक बेहद उच्च दर वाली यात्रा करने वाली ऊर्जा है वे विचार जो किसी प्रमुख भावनाओं में से एक के द्वारा बदला या ऊंचाई पर ले जाता है वह एक साधारण विचार की तुलना में बहुत दर पर कंपन करता है इस प्रकार आप देखते हैं कि प्रसारण का तरीका वह एक कारक है जिसके माध्यम से अपने विचारों के साथ एहसास और भावनाओं का मिश्रण करते हैं और अपने अवचेतन मन में उन्हें भेज देते हैं अवचेतन मन दिमाग का भेजने वाला केंद्र है जिसके माध्यम से विचार के कंपन प्रसारित होते हैं रचनात्मक कल्पना रिसीविंग सेट है जिसके माध्यम से आकाश से विचार के कंपन ग्रहण किए जाते हैं यदि आप मास्टर पर अध्याय में वर्णित सिद्धांत को समझते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ मास्टर के एक व्यवहारिक प्रयोग के रूप में वर्णित गोल मेज की तकनीक की प्रक्रिया को पहचानते हैं तीन लोगों के बीच निश्चित विषयों की चर्चा के माध्यम से दिमाग को प्रेरित करने का तरीका मास्टर का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक उपयोग को दिखाता है इसी तरह की एक योजना को स्वीकार और पालन करके इस दर्शन का को कोई भी छात्र परिचय में वर्णित प्रसिद्ध कारनेगी सूत्र को प्राप्त कर सकता है यदि इस समय में आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है तो इस पेज पर निशान लगाए और अंतिम अध्याय के बाद इसे फिर से पढ़े या दोबारा सुने अवसाद के बेस में एक वरदान था एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी दुनिया को परिवर्तित किया जो हर एक को एक नया अवसर देता है इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद चैप्टर तेरा छठी इंद्री धनवान होने की तरफ तेरवा कदम तेरवा सिद्धांत छठी इंद्री के रूप में जाना जाता है जिसके माध्यम से अनंत प्रज्ञा व्यक्ति के प्रयास या उसके द्वारा किसी भी मांग के बिना स्वेच्छा से संवाद कर सकती है और करेगी ये सिद्धांत दर्शन का शीर्ष बिंदु है ये केवल पहले अन्य बारह सिद्धांतों में माहिर होने पर ही आत्मसात किया समझा और लागू किया जा सकता है जिसने इन दर्शन के अन्य सिद्धांतों में महारत हासिल नहीं की है क्योंकि इस तरह के एक व्यक्ति को वह ज्ञान और कोई अनुभव नहीं है जिसके साथ छठी इंद्री की तुलना की जा सकती है छठी इंद्री की समझ केवल ध्यान के अंदर से मन के विकास के माध्यम से आती है छठी इंद्री शायद आदमी के मस्तिष्क और अनंत बुद्धिमता के बीच का संपर्क माध्यम है और इस कारण ये मानसिक और आध्यात्मिक दोनों का मिलान है या मिश्रण है इसे वह बिंदु माना जाता है इस पर आदमी का दिमाग दिमाग के संपर्क में आता है इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद आप एक बयान को सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो अन्यथा आपके लिए अविश्वरीय हो सकता है छठी इंद्री की सहायता से आपको आसन्न खतरों से बचने के लिए समय रहते उनकी चेतावनी दी जाएगी और समय रहते उन्हें गले लगाने के अवसरों के बारे में सूचित किया जाएगा छठी इंद्री के विकास के साथ आपकी मदद के लिए और आपकी बोली करने के लिए एक मसीहा आता है जो हर समय आपके लिए बुद्धि के मंदिर का दरवाज़ा खोल देगा चाहे या नहीं यह सत्य का एक बयान है लेखक को चमत्कार में विश्वास नहीं है ना ही वे उनका एक वकील है क्योंकि उन्हें यह समझने के लिए प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है प्रकृति कभी अपने स्थापित कानूनों से भटकती नहीं है उसके कानूनों में से कुछ तो इतने समझ से बाहर होते हैं कि वे ऐसा उत्पादित करते हैं जो चमत्कार होना दिखाई देते हैं छठी इंद्री एक ऐसे चमत्कार की तरह पास आती है जैसा मैंने कभी कुछ भी अनुभव किया है और यह उस तरह से प्रकट केवल इसलिए होती है क्योंकि मुझे विधि समझ में नहीं आती है जिसके द्वारा यह सिद्धांत चल रहा है पिछले अध्यायों के माध्यम से क्रमशः आप इस आखिरी सिद्धांत तक पहुँचे हैं यदि आपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों में से प्रत्येक में महारत हासिल की है तो आप जहाँ आप दिए गए अद्भुत दावों में उलझे बिना स्वीकार करने के लिए तैयार हैं यदि आपने अन्य सिद्धांतों में महारत हासिल नहीं की है तो इससे पहले कि आप निश्चित रूप से निर्धारित करें चाहे या नहीं इस अध्याय में किए गए दावे तथ्य हैं या कल्पना आपको ऐसा करना चाहिए मनोवैज्ञानिक का एक तत्पर छात्र होने के नाते जाहिर है मैं जानता हूँ कि सभी मनुष्य आज जो बन गए हैं वे अपने प्रभावी विचारों और इच्छाओं की वजह से बने मुझे पता है हर गहरी बैठी हुई इच्छा एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है जिसके माध्यम से इच्छा को हकीकत में बदला जाता है मुझे पता था, चरित्र निर्माण में आत्म एक शक्तिशाली कारक है ये असल में एक एकमात्र सिद्धांत है जिसके माध्यम से चरित्र निर्माण होता है दिमाग संचालन के सिद्धांतों के इस ज्ञान के साथ मेरे चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ मैं काफी अच्छी तरह से हथियार बनता। था इन काल्पनिक परिषद की बैठकों में मैं ज्ञान के लिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी मुलाकात करता था मैं प्रत्येक से योगदान करने की कामना रखता था सब शब्दों में प्रत्येक सदस्य को अपने आप निम्नलिखित के अनुसार संबोधित करता था श्रीमान एमरसन मैं आपसे प्रकृति की अद्भुत समझ प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ जिसके आपके जीवन को प्रतिष्ठित किया है मैं कहता हूँ कि आप मेरे अवचेतन मन पर अपने कुछ गुणों का एक प्रभाव छोड़ा है जो आपको प्रकृति के नियमों को समझने और स्वयं को उसके अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है मैं कहता हूं कि इस प्रयोजन में से जो भी ज्ञान के स्रोत हैं उन तक पहुँचने और उनको पाने में आपने मेरी सहायता की है श्रीमान बरबैंक मैं अनुरोध करता हूं कि आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जो आपको प्रकृति के नियमों को इतना अनुरूपित करने में सक्षम बनाता है कि आप नागफनी को अपने काटे त्यागने और एक खाद्य पदार्थ बन जाने को विवश कर देते हैं मुझे उस ज्ञान की पहुंच प्रदान करे जो आपको घास की दो पत्तियां उगाने में सक्षम बनाता है लेकिन यहाँ एक पहले उगती है और आपके लिए अकेले सफलता पूर्वक लीली के फूलों के रंगों का अधिक भव्यता और सद्भाव के साथ मिश्रण करने में मदद करती है नेपोलियन मनुष्य को उन्हें बड़ी और अत्यधिक दृढ़ संकल्पित कार्रवाई की भावना के प्रति प्रेरित करने और जागृत करने की आपकी जो अद्भुत क्षमता है प्राप्त करने की मेरी आपसे इच्छा है इसके अलावा स्थायी इस विश्वास की भावना का अधिग्रहण करने के लिए जो आपको हार को जीत में बदलने और अचानक उपस्थिति होने वाली बाधाओं से जूझने में सक्षम बनाती है भाग्य के सम्राट अवसर के राजा नियत के यार मत में सलाम करता हूँ श्रीमान पेन मैं आपसे विचार की स्वतंत्रता साहस और स्पष्ट प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ जिसके साथ प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है जो आपको इतना प्रतिष्ठित बनाती है जब समय आएगा आप देखेंगे कि जीवन में ऊर्जा या संस्थाओं की बड़ी जमघट लगी हुई है प्रत्येक उतना ही बुद्धिमान है जितना मनुष्य खुद के होने के लिए सोचता है जीवन की इकाइया मधुमक्खियों के छत्ते की तरह एक साथ समूहबंद होती हैं। चालीस वर्ष की उम्र से पहले छठी इंद्र का व्यवहारिक ज्ञान विरासत में मिलाओ ये ज्ञान तब तक उपलब्ध नहीं होता है जब तक कि कोई पूरी तरह से पचास साल का नहीं हो जाता ये इस कारण से क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियाँ जिनसे छठी इंद्री बारीकी से संबंधित है वह स्वयं परीक्षा ध्यान के वर्षों और गहन चिंतन के माध्यम के अलावा और किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या इस किताब को पढ़ने में आपका उद्देश्य क्या हो सकता है आप इस अध्याय में वर्णित सिद्धांत को समझे बिना इसका लाभ उठा सकते हैं यह विशेष रूप से सच है छठी इंद्री पर अध्याय को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि किताब को एक पूरा दर्शन पेश करने के उद्देश्य से बनाया गया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बिना चूके उन चीजों को पाने में खुद का मार्गदर्शन कर सकता है जो कुछ वह जीवन में मांगता है सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु इच्छा है अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ स्वयं की समझ दूसरों की समझ प्रकृति के नियमों की समझ और पहचान की ओर ले जाता है इस तरह की समझ केवल छठी इंद्री की सिद्धांत की अच्छी जानकारी और उपयोग के माध्यम से की जाती है इसलिए उन लोगों के लाभ के लिए जो पैसे से अधिक मांग करते हैं इस सिद्धांत को इस दर्शन के एक हिस्से के रूप में शामिल करना पड़ा इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है मिलेंगे अगले चैप्टर में धन्यवाद चैप्टर चौदवा भय के छह भूतों को चतुराई से कैसे मात दें? पहला है गरीबी का डर गरीबी और अमीरी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता गरीबी और अमीरी की ओर ले जाने वाले दो रास्ते विपरीत दिशाओं में जाते हैं यदि आप अमीरी चाहते हैं, तो आपको गरीबी की ओर ले जाने वाली किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए अमीरी शब्द को यहाँ वित्तीय आध्यात्मिक मानसिक और भौतिक संपदा को दर्शाने वाले इसके व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है अमीरी की तरफ जाने वाले रास्ते का आरंभिक बिंदु इच्छा है अध्याय एक में आपने इच्छा के समुचित उपयोग के लिए ऊर्ण निर्देश प्राप्त किए हैं डर पर इस अध्याय में आपके पास इच्छा का व्यवहारिक उपयोग करने के लिए अपने दिमाग को तैयार करने के ऊर्ण निर्देश हैं। गरीबी का डर मन की एक अवस्था के अलावा और कुछ भी नहीं है लेकिन ये किसी भी उपक्रम में किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि की संभावना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है एक सच्चाई जो अवसाद के दौरान दर्द के रूप में स्पष्ट हुई कोई भी चीज इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं देती जितना गरीबी केवल गरीबी का अनुभव कर चुके लोग इस बात का पूरा मतलब समझते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है इंसान गरीबी से डरता है विरासत में मिले अनुभव की कतार से इंसान निश्चित रूप से सीख चुका है कि जहा पैसे और संसारिक संपत्तियों का संबंध है कुछ लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता ये बहुत ही चुभने वाला अभियोग है इसका सबसे बुरा हिस्सा यह है, है। इंसान दौलत हासिल करने के लिए इतना उत्सुक है कि वह इसे किसी भी उस तरीके से हासिल करेगा जिसे वह कर सकता है यदि संभव हो तो कानूनी तरीकों के माध्यम से यदि आवश्यक है तो अन्य तरीकों से पैसा बोलता है कुछ लोग पूछेंगे आपने पैसे के बारे में किताब क्यों लिखी अमीरी डॉलर में ही क्यों मापी जाती है कुछ विश्वास करेंगे ऐसा सही है कि अमीरी कई और रूप में भी है, जो पैसे से अधिक है हाँ ऐसी दौलत भी है जिन्हें डॉलर के संदर्भ में मापा नहीं जा सकता लेकिन करोड़ों लोग जो कहेंगे मुझे जितना पैसा चाहिए वह सारा दे दो और बाकी जो कुछ भी मैं चाहता हूँ मैं ढूंढ लूंगा दौलत को कैसे हासिल किया जाए इस विषय पर किताब लिखने का मुख्य कारण या तथ्य ये है की हाल ही दुनिया में ऐसे ही अनुभव से गुजरी है करोड़ों पुरुषों और महिलाओं को गरीबी की डर से लकवाग्रस्त बना दिया है इस तरह का डर किसी के साथ क्या करता है ये बहुत अच्छी तरह से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड टेलीग्राम में वेस्ट बुक पेलर द्वारा वर्णित किया गया है दूसरा है आलोचना का डर इंसान मूल रूप से इस डर से कैसे परिचित हुआ कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता सकता लेकिन एक बात तय है उसमें ये डर अत्यधिक विकसित रूप में होता है कुछ लोगों का मानना है कि इस डर से अपनी उपस्थिति उस समय के आसपास दर्ज करवाई जब राजनीति एक पेशा बन गई अन्य लोग मानते हैं कि ये उस युग में पाया जा सकता है जब महिलाओं ने पहली बार परिधान पहनने की शैलियों के साथ स्वयं की चिंता करनी शुरू की आलोचना का डर कई रूपों में होता है जिनमें अधिकांश छोटे और तुच्छ हैं उदाहरण के लिए गंजे पुरुष किसी अन्य के कारण नहीं बल्कि अपनी आलोचना के भय से गंजे होते हैं तीसरा खराब सेहत का डर इस डर की भौतिक और सामाजिक अनुवंशिकता दोनों का पता लगाया जा सकता है अपने मूल रूप में ये बुढ़ापे के डर और मृत्यु के डर के कारणों के साथ करीब से जुड़ा हुआ है बीमार स्वास्थ्य के इस डर की आम कमजोरी का लाभ उठाकर पेटेंट दवाओं के वितरकों ने बहुत अधिक दौलत बनाई है विश्वासशील मानवता का यह रूप कुछ बीस साल पहले इतना प्रचलित हो गया कॉलियर साप्ताहिक पत्रिका ने पेटेंट दवा के कारोबार के सबसे खराब अपराधियों में से कुछ के खिलाफ एक कटु अभियान चलाया चौथा प्यार होने का डर इससे और इसी प्रकार के अन्य पागलपन किसी के प्यार को खोने के इंसान के विरासत में मिले हैं, डर से उपजे हैं। ये डर सभी छह बुनियादी डरों में सबसे दर्दनाक है क्योंकि ये अक्सर स्थायी पागलपन की ओर ले जाता है इसलिए शायद किसी भी अन्य बुनियादी डर की तुलना में शरीर और दिमाग पर अधिक ढाता है प्यार के खोने का डर शायद पाषाण युग से ही आरंभ हो गया था जब पुरुष पशु बल द्वारा महिलाओं को चुरा लिया करता था उनका महिलाओं का चोरी करना जारी रहा लेकिन उनकी तकनीक बदल गई वे अब बल के बजाय अब सुंदर कपड़े मोटरकारों का वादा और अन्य चारे जो शारीरिक बल से अधिक प्रभावी हैं। पांचवा बुढ़ापे का डर बुढ़ापे के बुनियादी डर में आदमी के पास इस डर के दो बहुत ही ठोस कारण हैं। एक अपने साथी लोगों पर अविश्वास जो उसकी उन सभी चीजों को छीन सकते हैं जिनका वह अधिकारी है और दूसरा दूर दुनिया की भयानक तस्वीरों से उत्पन्न होने वाला जिसे उसके मस्तिष्क में सामाजिक अनुवांशिकता के माध्यम से उसके अपने दिमाग पर पूरा अधिकार होने से पहले ही रोपित कर दिया गया था बुढ़ापे के डर का सबसे आम कारण गरीबी की संभावना के साथ जुड़ा हुआ है वृद्धा आश्रम एक सुंदर शब्द नहीं है ये हर उस व्यक्ति के दिमाग में उदासी फैला देता है जिसकी अपने घटते वर्ष को किसी आश्रम में बिताने की संभावना है क्योंकि बुढ़ापे के द्वारा शारीरिक और आर्थिक दोनों में स्वतंत्रता की कमी लाने की संभावना होती है छठाए मृत्यु का डर कुछ लोगों के लिए ये बुनियादी डरों में सबसे अधिक क्रूर होता है कारण स्पष्ट है अधिकांश मामलों में मृत्यु के विचार के साथ जुड़े डर के भयानक कष्टों के लिए धार्मिक कट्टरता पर सीधे आरोप लगाया जा सकता है तथा कथित मूर्ति पूजक अधिक सभ्य लोगों की तुलना में मृत्यु से कम डरते हैं इंसान करोड़ों सालों से एक ही सवाल पूछता आ रहा है कहाँ से और कहाँ पर मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ अतीत के इस काले युग के दौरान अधिक चालक और धूर्त लोग एक मूल्य के लिए इन सवालों के जवाब देने के लिए धीमे नहीं थे अब गवा मृत्यु के भय की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत है सच में कोई भी आदमी नहीं जानता और किसी आदमी ने कभी भी नहीं जाना कि स्वर्ग या नरक किस तरह के है और न ही किसी को पता है कि दोनों जगह वास्तव में मौजूद है या नहीं मौत का डर इतना आम नहीं है जितना उस युग के दौरान जब महान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नहीं थे वैज्ञानिकों ने सच्चाई की रोशनी को दुनिया पर डाल दिया है और यह सच्चाई तेजी से मौत की इस भयानक डर से पुरुषों और महिलाओं को मुक्त करा रही है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा पुरुष और युवा महिलाएं आसानी से आग स्टोन से प्रभावित नहीं होते छह बुनियादी डरों के अलावा एक और बुराई है जिससे लोग पीड़ित हैं। ये एक उपजाऊ धरती का गठन करती है जिसमे विफलता के बीच बहुताया से बढ़ते हैं ये इतना सूक्ष्म है कि इसकी उपस्थिति अक्सर पता नहीं चलती ठीक से डर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता ये और सारे छह डरों से भी अधिक गहराई में बैठा होता है और अक्सर इतना घातक होता है एक बेहतर नाम के अभाव में चलो हम इस बुराई को नकारात्मक प्रभाव के लिए अति संवेदनशीलता कहते हैं जो लोग महान दौलत जमा कर लेते हैं वे हमेशा खुद इस बुराई से रक्षा करते हैं गरीबी से पीड़ित लोग कभी भी ऐसा नहीं करते वे लोग जो किसी भी व्यवसाय में सफल होते हैं उन्हें इस बुराई का विरोध करने के लिए अपने दिमाग को तैयार करना होगा यदि आप दौलत इकट्ठी करने के उद्देश्य से इस दर्शन को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो यह निर्धारित करने के लिए आपको बहुत सावधानी से अपनी जांच करनी चाहिए विदा होते हुए मैं आपको याद दिला दूं। जीवन शतरंज की एक विषात है और आपके विपरीत बैठा खिलाड़ी समय है यदि आप आगे बढ़ने से पहले संकोच करते हैं या तुरंत आगे बढ़ने की उपेक्षा करते हैं तो समय के द्वारा आपके मोरे विषाद से साफ कर दिए जाएंगे आप ऐसे साथी के खिलाफ खेल रहे हैं जो आ बर्दाश्त नहीं करेगा पहले आपके पास जीवन के लिए एक तार्किक बहाना था कि आप जीवन को अपनी मांगी हुई चीजें देने के लिए क्यों मजबूर नहीं कर सकते लेकिन वह बहाना अप्रचलित हो गया है क्योंकि अब आपके पास मास्टर चाबी है जो जीवन के भरपूर खजानों का दरवाजा खोलती है मास्टर चाबी अमूर्त है लेकिन ये शक्तिशाली है दौलत के निश्चित रूप के लिए आपके अपने मस्तिष्क में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न करना एक विशेष अधिकार है चाबी के उपयोग के लिए कोई दंड नहीं है लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको कीमत का भुगतान करना होगा वह कीमत है विफलता यदि आप चाबी का उपयोग करते हैं तो अद्भुत अनुपात का इनाम है यह वह संतुष्टि है जो उन सभी के लिए जो स्वयं को जीतते हैं और जीवन को वह सब कुछ देने के लिए मजबूर करते हैं जो वे चाहते हैं इनाम आपके प्रयास के अनुरूप होता है की आप शुरू करेंगे और आश्वस्त होंगे हमारे मर्शन ने कहा था यदि हम जुड़े हुए हैं तो हम मिलेंगे आखिर में मैं उनके विचार उधार लेकर कह सकता हूँ क्या मैं उनके विचार उधार लेकर कह सकता हूँ यदि हम जुड़े हुए हैं तो हम अन्य प्रश्नों के माध्यम से मिल चुके हैं इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और किताब भी धन्यवाद